स्टॉप हेलो दोस्तों नमस्कार जय हिंद जय भारत गुड आफ्टरनून नहीं है गुड मॉर्निंग ही अभी तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सभी कैसे हो भाई एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो और मैं रविंद्र पांचाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रविंद्र पांचाल पे एक बार जल्दी से सभी बच्चे लाइव जुड़ जाएंगे और जो बच्चे लाइव आ चुके हैं एक बार सेशन को शेयर कर दो भाई एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दो सुनीता सुनीता अंशुमान मासूम राकेश विजेंद्र नीरज राकेश सीमा विजेंद्र पूनम पिंकी यादव सभी को नमस्कार है विकी बिटमरा ओसम यार यस द सोल मॉर्निंग स्टार ज्योति मलिक पूजा नरवाल क्रिएटिव माइंड मासूम सभी को नमस्कार मेरी तरफ से राम राम में सभी को हाथ जोड़कर एक बार जल्दी से सभी बच्चे सेशन को शेयर कर दो यार ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ लो और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये जो आज की क्लास है सबसे बेस्ट क्लास रहने वाली है सबसे बेस्ट क्लास में क्यों मानता हूँ क्योंकि आजकल जो आप एग्जाम में क्वेश्चन देखते हो वहां पर सबसे बड़ी मुश्किल आपके लिए होती है कैलकुलेशन करना क्योंकि कैलकुलेटिव क्वेश्चन डाले जाते हैं आपका गिवन टाइम में पेपर पूरा ही नहीं हो पाता है तो इस समस्या का छुटकारा आज की क्लास में आपको मिल जाएगा इस समस्या से छुटकारा जो मेरे भाई डेफिनेटली आज की क्लास में आपको मिल जाएगा बस आपको पूरी क्लास देखनी है ऐसे बेहतरीन कंसर्ट मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप बड़े बड़े क्वेश्चनों को बहुत ही कम टाइम में सोल्व कर पाओगे वो भी बिना कॉपी पेन उठाए बिना कैलकुलेशन किए ठीक है ना तो बिल्कुल इस क्लास को लास्ट तक देखना और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि मैक्सिमम बच्चे जो है इस क्लास का फायदा उठा पाए क्योंकि अब देखेगा आज की क्लास से मैं एक और क्या बात बताऊंगा आज की क्लास में जो भी मैं आपको सिखाऊंगा उसके बाद जितनी भी मेरी मैथ की क्लासेज होंगी सब में आज वाली क्लास के कंसेप्ट में यूज करूंगा ताकि बड़ी बड़ी कैलकुलेशन जहां पर भी होंगी उनको कम टाइम में किया जा सके तो आज मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा हालांकि कुछ क्वेश्चंस भी मैंने लिए हैं जिससे मैं आपको प्रैक्टिकली उन कंसेप्टों को लगा के दिखा पाऊँ बाकी जो भी हम अपनी जब भी क्लास चलेंगे एग्जाम तक तो जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सब में हम इन कंसेप्ट को लगाएंगे तो आपके अंदर आदत हो जाएगी कि क्वेश्चन को कैसे फास्ट सोल्व करना है ठीक है ना सभी को नमस्कार है अशोक कुमार मेरे भाई राम राम श्रुति गाबा अमन शर्मा विक्रम सिंह रीना मलिक सभी को नमस्कार है गुड मॉर्निंग है मेरी तरफ से राम राम है नेहा चौहान नेहा चौहान आयना आर वर्मा रिंकू बहलोत तो नमस्कार मेरे भाई राम 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 सभी को तो आज की क्लास बस आपको लाइव देखनी क्योंकि इस क्लास में लाइव देखने का ही मजा आएगा इस क्लास को ठीक है ना क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपका कोई डाउट होगा वो भी मैं साथ के साथ में लूंगा और एक एक डाउट दूर किया जाएगा ठीक है परी ढाका ज्योति नागर सभी को गुड मॉर्निंग है गुड मॉर्निंग नमस्कार बस एक बार आप लोग सारे के सारे तीस सेकंड का टाइम निकालकर एक बार क्लास को शेयर कर दो भाई एक बार तीस सेकंड का टाइम निकालकर क्लास को शेयर कर दो एक बार ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जो इस क्लास में जोड़ दो एक बार जल्दी से एक बार इस क्लास को शेयर कर दो सारे के सारे बच्चे उसके बाद फिर जो मैं अपने कंसेप्ट पर आता हूं और बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट मैं आज आपको सिखाने वाला हूं तो अभी तक मेरी जितनी भी क्लासेज हुई हैं या आगे होंगी सबसे बेस्ट क्लास है मेरे भाई ये सबसे बेस्ट क्लास है क्योंकि इसमें हम सीखेंगे कुछ ऐसी चीजें जो आपकी मेन समस्या कैलकुलेशन की वो खत्म हो जाएगी भाई क्वेश्चनों को कैसे टैकल किया जाए विदाउट रट्टा मारे आपको एक चीज मैं सिखाना चाहता हूं यहां पर तो देखेगा यहां पर मैं आपको दो तीन कंसेप्ट बताऊंगा मैक्सिमम तीन कंसेप्ट बताऊंगा तीन कंसेप्ट ऐसे हैं जो आपके मैथ के 90 परसेंट क्वेश्चन 90 परसेंट बहुत बड़ी संख्या मेरे भाई 90 परसेंट क्वेश्चन को हल्का बना देगी 90 परसेंट क्वेश्चन को हल्का बना देगी मेरे भाई ठीक है ना ऐसे में आपको कंसेप्ट सिखाना चाहता हूं सिर्फ तीन कंसेप्ट सिखाऊंगा तो देखेगा बिल्कुल शुरुआत करते आप लोग शेयर करते रहना क्लास को और लाइक कर देना क्लास पसंद आए तो मेरे भाई तो सबसे पहला कंसेप्ट है मेरे भाई डिजिटल सम वाला सबसे पहला कंसेप्ट क्या है डिजिटल सम वाला डिजिटल सम क्या होता है मेरे भाई इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखता हूं तो डीएस लिख देता हूं डीएस क्या चीज है इस बात को समझना मेरे भाई डिजिटल सम होता है किसी भी संख्या कोई भी संख्या है उसके अंकों का योग एक डिजिट में लेकर आना बात को बड़े गौर से सुनना यह आपने हो सकता कुछ बच्चों ने पढ़ा भी हो लेकिन उतना डिटेल से नहीं होगा जितना मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं एक एक चीज बताऊंगा कि आपको ये कंसेप्ट कहां पर अप्लाई करना है कहां पर नहीं अप्लाई करना है देखते ही कैसे आप एकदम से समझ पाओगे कि डिजिटल समय यहां पर लगेगा कि नहीं लगेगा और मैं कहता हूं 90 से बानवा तिरानवा परसेंट क्वेश्चनों पर यह जो कंसेप्ट है ये लगता है तो बहुत ज्यादा जो आपका पोर्सन है यह कवर करने वाला है तो बड़े ध्यान से सुनना एक एक पॉइंट इसका एक एक लॉजिक मैं आपको बताने वाला हूं क्योंकि बच्चा क्या होता है इसको आधा अधूरा पढ़ता है और पढ़ाया भी आधा अधूरा जाता है तो फिर वहां पर समस्या आ जाती है बच्चे के साथ कि भाई लगाएं कि नहीं लगाएं और बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देता है ठीक है ना एक एक चीज पर काम करेंगे मेरे भाई अब बड़े ध्यान से सबका ध्यान बोर्ड की तरफ हो मेरी एक एक छोटी छोटी बात को सुनना बिल्कुल बेसिक से लेकर इसको एक एक में इसका बताने वाला हूं एक एक कंडीशन इसमें क्या क्या होती है वो सारी की सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे तो डिजिटल सम क्या होता है मेरे भाई डीएस क्या होता है इस बात को समझिएगा कोई भी नंबर मेरे पास कोई भी नंबर मान लिया मैंने पांच चार सात एक एक आठ चार तीन और यहां पर छह मान लिया मेरे पास कोई नंबर है तो डिजिटल सम होता है इसके अंकों का योग वो भी एक डिजिट एक डिजिट में लेकर आना तो पहले बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा उसको कम टाइम में कैसे किया जाएगा ये सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे तो अगर इसके अंकों का योग करना पड़ जाए तो आप क्या करोगे पांच और चार नौ नौ और सात मेरे भाई सोलह सोलह और दो अठारह अट्ठारह और आठ मेरे भाई छब्बीस छब्बीस और चार तीस तीस और नौ उनतालीस लिखोगे आप लेकिन मैंने कहा डीएस क्या होता है एक अंक में लेकर आना इसका जोड़ तो आप आपको नौ और तीन बारह बारह को जोड़ोगे तो कितना आएगा मेरे भाई बारह के अंकों को जोड़ोगे तो आपको तीन यानी कि मेरे भाई इस नंबर का जो डीएस है वो कितना आ गया तीन आ गया इस नंबर का जो डीएस है वो कितना आ गया मेरे दोस्तों तीन आ गया मजा आएगा जिसने पहले पढ़ भी रखा ना वो भी पूरी क्लास को देखना बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी कि डीएस में हमें ये चीजें तो पता ही नहीं थी या ये चीजें हम गलत अप्लाई करते थे बिल्कुल कंसेप्ट से और बिल्कुल डीप लेवल से इसको मैं पढ़ाने वाला हूं तो आप कहोगे जी इस संख्या का जो डीएस है कितना आ गया तीन आ गया अब देखेगा आपने पूरे को जोड़ा जोड़ा तो मैंने देखा उनतालीस को उनतालीस के अंकों को जोड़ा बारह बारह के अंकों को जोड़ा तीन आया हमने टाइम ज्यादा लगा दिया यहां पर भी तो इसको कम टाइम में कैसे करना चाहिए इसके लिए आपको एक छोटा सा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए ये जो डीएस है ना मेरे भाई ये डीएस क्या होता है डीएस क्या होता है या तो आप कहो कि अंकों का योग एक डिजिट में लेकर आना वही डीएस है या फिर आप उसको इसको ऐसे भी कह सकते हो नौ से डिवाइड करने पर नो no से डिवाइड करने पर नो no से डिवाइड करने पर बचा रिमाइंडर बचा रिमाइंडर रिमाइंडर होता, होता है मेरे भाई शेषफल बचा रिमाइंडर ही डीएस होता है डीएस होता है अब इस बात को मैं समझाता हूं बड़े ही प्यार से देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं बड़े गौर से सुनना मैं एक एग्जांपल लेता हूं बहुत फ्रूटफुल क्लास रहेगी इस क्लास की अहमियत इतनी है मेरे भाई पूरे मैथ में आपको नजर आएगी तो कोई भी इस क्लास को बीच में छोड़कर नहीं जाएगा ठीक है ना तो बड़े ध्यान से सुना मेरे मान लेना क्योंकि मुझे पता है ये क्लास आपकी कितनी ज्यादा फ्रूटफुल होगी तो कोई भी बच्चा जाएगा नहीं देखेगा मैंने कहा नो से डिवाइड करने पर बच्चा रिमाइंडर ही डीएस होता है अब जैसे मैंने मैंने कोई नंबर लिया मैंने ले लिया पिचपन मैंने इसका डीएस देखा पांच और पांच दस बन गया और दस के अंकों को जोड़ूंगा तो कितना बनेगा मेरे भाई एक जो है इसका डीएस आ गया अब देखेगा नौ से डिवाइड करते तो क्या होगा अगर मैं पिचपन को नौ से डिवाइड करता हूं तो आपको नो चिक्का चम्वन और बच गया कितना एक रिमाइंडर कितना बच गया मेरे भाई एक यही तो मैंने कहा था यह क्या हो जाएगा डीएस हो जाएगा या तो आप अंकों को डायरेक्ट जोड़ दो या फिर आप नौ से भाग करके देख लो जो भी रिमाइंडर बचेगा वही क्या होता है मेरे भाई डीएस होता है एक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया मैं फटाफट रिवाइज भी कराता रहूंगा साथ के साथ में ताकि आप ना भूलो मैंने अभी तक ये बताया डीएस क्या होता है किसी भी संख्या के अंकों का योग आप एक डिजिट में एक डिजिट में लेकर आओगे तो वो हमारा डीएस होता है या फिर किसी भी संख्या को नो से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता वही हमारा क्या होता है मेरे भाई डीएस होता है ये छोटी छोटी चीजें आपको पता चली अब मैं नो का रूल आपको समझाता हूं ये नो जो है ना ये बड़ा ही कमाल का नंबर है ये जो नो है मेरे भाई ये बड़े ही कमाल का नंबर है इस बात को समझना देखेगा मैं अगर एक काम करूं मैंने कहा मेरे भाई इक्यानवे का आप डी डीएस बताओ फिर मैं कहता हूं सात दो नो पांच का आप डीएस बताओ कितना होगा बड़े ध्यान से सुना बहुत मजा आएगा मैंने कहा दो नो no कार्ड मुझे डीएस बताओ कितना होगा तो आपका कहना ही होगा गुरुदेव देखेगा नो और एक दस बन गया और दस का डीएस कितना होगा जीरो और एक को जोड़ोगे तो एक होगा आप यहां पर देखोगे सात और दो नो नोर नो अठारह अठारह और पांच तेईस और तेईस का डीएस आप देखोगे तो दो और तीन कितना हो गया मेरे भाई पांच हो गया डीएस यहां पर देखोगे नौ और दो ग्यारह ग्यारह का डीएस देखोगे तो एक और एक कितना हो जाएगा दो हो जाएगा ये आपके डीएस आगे मेरे भाई ठीक है ना लेकिन मैं आपको जो बात बताना चाहता हूं वो आपकी कैलकुलेशन को और कम कर देगा मैं ये कहता हूं मेरे भाई नो के आने से डीएस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता नो के आने से नो के आने से इसकी मैं पीडीएफ दूंगा परफेक्ट नोट्स मिलेंगे आपको इस टॉपिक के नो के आने से डीएस पर कोई फर्क नहीं पड़ता कोई फर्क नहीं पड़ता अच्छा फिर मुझे एक बात बताओ जब नो के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो क्या इसके जाने से कोई फर्क पड़ेगा तो जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा यानी कि इतनी सी बात है अगर कोई मुझे कहता भाई इस संख्या का डीएस निकालो तो अगर मैं उसमें से नो को हटा दूंगा अगर मैं उसमें से नो को हटा दूंगा तो भी डीएस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जैसे मुझे किसी ने कहा कि इक्यानवा का डीएस बताओ तो मैंने देखा नो को हटा सकता हूं तो डीएस कितना आ गया एक यहीं पर एक ही तो था यहां पर अगर मुझसे कोई कहता है कि इसका डीएस बताओ मैं नो को हटा दूंगा नो हटा दिया सात और दो नो बन गया इसको हटा दिया तो कितना डीएस आ गया मेरे भाई पांच आ गया यही तो था नो को हटा दूंगा तो डीएस कितना आ गया मेरे भाई दो आ गया अब बात को समझ पाए नो के आने या जाने से डीएस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है सर जी हिसार चीता ने ब्लॉक कर दो या दो दिन हो गए इसको मुझे लेते हुए भाई मैं किस किस को ब्लॉक करूं और मुझे कोई दिक्कत नहीं होती अगर कोई मेरी आलोचना करता तो मैं उसको स्वीकार करता मुझे ना तो गुस्सा आता इस चीज पर है ना बस मेरे फेस पे स्माइल आते कोई मेरी बुराई करता है तो ठीक है ना आप भी इन चीजों को इग्नोर करो बस आगे बढ़ते रहो करने दो मेरे भाई ठीक है ना किसी का दिल प्यार से जीतेगा गुस्से से कभी जीता नहीं जा सकता अपने अंदर जो प्रेम की भावना बनाए रखे सब ठीक हो जाता है कोई कुछ भी बोलता रहे बोलने दो यार ठीक है ना तरह तरह के लोग हैं अपना काम वो कर रहे हैं हम अपना काम करेंगे हम अपना काम प्यार से करेंगे सीखिए मेरे भाई कोई कुछ बोलता तो बोलने दो मेरे भाई आपको कुछ कुछ बोल रहा है फिर ब्लॉक कर देंगे मेरे भाई अगर कोई बच्चों को डिस्टर्ब करेगा तो मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा हम मेरे बारे में कुछ भी बोल लो कोई दिक्कत नहीं पर स्टूडेंट्स को अगर डिस्टर्ब करोगे तो भाई मैं ब्लॉक कर दूंगा डेफिनेटली ठीक है अब बड़े ध्यान से सुनना ये बात समझ में आई कि नो के आने से या जाने से डीएस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता तो अब मुझे फटाफट बताइए क्योंकि मैं प्रैक्टिस साथ की साथ में कराता हूं मैंने लिखा यहां पर सात एक पांच एक चार नौ दो सात आठ मुझे इसका डीएस बताएं फटाफट फटाफट मुझे इसका डीएस टाइप करके बताइए कितना होगा मैंने लिखा पांच चार तीन तीन पांच एक आठ सात एक इसका डीएस बताएं मुझे फटाफट जो है इन दो नंबरों का डीएस बताएं तब मैं समझूंगा छोटा सा कंसेप्ट जो मैंने आपको सिखाया ये कवर हो चुका है ताकि मैं समझ पाऊं कि ये जो कंसेप्ट मैंने आपको छोटा सा सिखाया ये तो क्लियर हो गया फिर हम आगे बढ़ेंगे फिर हम बढ़ेंगे मेरे भाई आगे फिर हम बढ़ेंगे आगे पहले मुझे बता दो ये बातें समझ में आई जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए ये, ये बातें समझ में आई अब देखेगा मैं समझूंगा

हम डीएस सीख क्यों रहे हैं इस बात को समझेगा डीएस क्यों सीख रहे हैं डीएस क्यों सीख रहे हैं अब इस बात को भी तो जानना ना क्यों सीख रहे हैं अब बड़े गौर से सुनना क्योंकि क्या होता है मेरे भाई जो क्वेश्चन का डीएस क्वेश्चन का डीएस होता है मेरे भाई क्वेश्चन का डीएस बराबर होता है मेरे भाई किसके आंसर के डीएस के बात को समझे जो क्वेश्चन का डीएस होता है वही आंसर का डीएस होता है इसलिए हम सीख रहे हैं मान लिया हमारे पास तो क्वेश्चन आएगा अगर हम क्वेश्चन का डीएस देख पाए तो हमें पता चल जाएगा वही आंसर का डीएस होगा तो हम ऑप्शन में जाके क्या करेंगे ये देखेंगे कौन से ऑप्शन का डीएस वही है जो हमारे क्वेश्चन का आया वही हमारा आंसर हो जाएगा तो बड़े ही ध्यान से सुनना जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जैसे मैंने कहा मेरे भाई मैं कहता हूं चुहत्तर को और मेरे भाई छब्बीस को जोड़ो तो आप कहोगे जी चुहत्तर और छब्बीस होता है सो अब देखेगा मैं आपको इस बात को प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं कि भाई क्वेश्चन का डीएस और आंसर का डीएस सेम होता है तो आप कहे देखो सात और चार ग्यारह ग्यारह का डीएस कितना बन गया दो बन गया ठीक है छह और दो आठ इसका डीएस बन गया आठ तो आठ और दो दस यहां से कितना बन गया मेरे भाई दस दस का डीएस कितना होगा आप कहे जी एक होगा दस का डीएस कितना होगा एक होगा यहां पर इसका डीएस कितना मेरे भाई आप जोड़ोगे एक जीरो जीरो को जोड़ोगे तो कितना आएगा एक ही आएगा यानी कि ये क्या होता है मेरे भाई बराबर होता है जो क्वेश्चन का डीएस होता वही आंसर का डीएस होता है कभी भी क्वेश्चन में लंबी कैलकुलेशन आए तो वहां पर हमें सिर्फ उसका डीएस देख लेना है जो क्वेश्चन का डीएस होगा वही आंसर का डीएस होगा ऑप्शन में चेक करेंगे किसका डीएस वही है जो क्वेश्चन का है तो वही मेरा आंसर हो जाएगा बड़े ध्यान से सुनना इसको प्रैक्टिकली बहुत चीजें इसमें सिर्फ इतनी सी बात नहीं है इसमें और भी बहुत सारी चीजें कहां पर लगेगा कहां पर हमें फास्ट अप्लाई करना है। सारी चीजें बताऊंगा डिटेल से अब मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करा देता हूं इसकी ठीक है मैंने कहा मेरे भाई मेरे सामने मान मानिए ये क्वेश्चन आ गया बड़ा सा ठीक है मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा क्या हम इसको जोड़ेंगे मेरे भाई मान लिया पेपर में ये कैलकुलेशन का क्वेश्चन गया सिंपल सी मैं बात कर रहा हूं बस आपका बेस तैयार कर रहा हूं तो हम क्या करेंगे मेरे भाई कैलकुलेशन नहीं करेंगे हम इसका डीएस देखेंगे कितना होगा डीएस देखोगे तो क्या करोगे सात और दो कट गया छह और चार दस दस का डीएस होता एक प्लस में यहां पर देखोगे सात और दो नो no, पांच और चार नो नो कट गया एक बच गया इसका डीएस हो गया एक यहां पर देखोगे आठ और एक नो कट गया बच गया तो सात और एक आठ और एक नो डीएस कितना आ गया मेरे भाई नू? जो भी आंसर होगा उसका डीएस क्या मिलेगा मेरे भाई नो मिलेगा जो भी आंसर होगा मेरे भाई उसका डीएस भी क्या मिलने वाला आपको नो मिलने वाला क्या मेरी बात को समझ पाए जल्दी से कमेंट करके बताएं जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं उसका डीएस भी आपको क्या मिलेगा नो मिलेगा मेरे दोस्तों उम्मीद करता हूं बात को समझ पाए उम्मीद करता हूं बात को समझ पाए हो आप लोग अब देखिएगा क्या ये डीएस सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन पे काम करेगा क्या ये डीएस मेरे भाई सिंपल कैलकुलेशन पे काम करेगा नहीं मेरे भाई अब बात को सुनना बड़े ध्यान से देखो डीएस हम कहां कहां पर लगा सकते हैं चाहे प्लस का क्वेश्चन हो चाहे माइनस का क्वेश्चन हो चाहे गुणा का क्वेश्चन हो चाहे भाग का क्वेश्चन हो मेरे भाई यानी कि कैलकुलेशन में हमारी चार तरह की चीजें आती हैं या तो प्लस आएगा कैलकुलेशन में या माइनस आएगा या गुणा आएगा या भाग आएगा यही तो चार चीजें आती हैं कैलकुलेशन में हर जगह आप डीएस लगा सकते हो बस इसमें कुछ ध्यान रखना है इसमें क्या करना थोड़ा ध्यान रखना है इसमें थोड़ा ध्यान रखना है ध्यान क्या रखना है? वो मैं रूल बताऊंगा इसमें थोड़ा ध्यान रखना है बस इस बात को समझना बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा एक एक पॉइंट तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना मेरी बात को बड़े ही गौर से सुनना बड़ा मजेदार टॉपिक है और हेल्प करेगा पूरे मैथ में इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है यानी कि हम प्लस पर भी लगा सकते हैं माइनस वाले क्वेश्चन में भी लगा सकते हैं गुणा वाले में भी लगा सकते हैं और भाग वाले में भी लगा सकते हैं बस यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है अब देखो मैं आपको बताता हूं एक चीज जैसे मैंने कहा मेरे भाई एक का मुझे डीएस बताऊ तो आप कहोगे गुरु जी देखिएगा तीन और दो पांच और एक छीएस कितना आ गया मेरे भाई छे मैं आपको कहता हूं सात पांच चार इसका मुझे डीएस बताओ आप कहोगे जी पांच और चार नौ कट गया सात बच गया तो सात इसका डीएस हो जाएगा अब हम इसका डीएस आसानी से पता क्यों देख पा रहे हैं हम इसलिए देख पा रहे हैं मेरे दोस्तों क्योंकि इसके बटे में एक है इसके बटे में भी एक है यानी कि मेरे दोस्तों अगर भाग में अगर भाग में डीएस एक है अगर भाग में डीएस एक है तो हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है यानी कि हम सिर्फ ऊपर वाली संख्याओं का डीएस देख सकते हैं वही क्वेश्चन का डीएस होगा क्या कहा मैंने बड़े गौर से सुनना अगर बटे में एक है बटे में डीएस एक है तो हम ऊपर वाली संख्याओं का डीएस देखकर आंसर निकाल सकते हैं लेकिन क्या जरूरी है कि नीचे एक ही आए कुछ और संख्याएं भी तो आ सकती है ना कुछ नीचे कुछ और संख्याएं भी तो आ सकती है ना बिल्कुल आ सकती तो उनको भी मैं आपको बताता हूं उनको भी मैं बताता हूं बड़े गौर से सुनना अब ये सारी चीजें आपको मैं बिल्कुल डिटेल से बताने वाला हूं कि नीचे और क्या क्या आ सकता है कब डीएस लगेगा तो बस एक बात को ध्यान सुनना ध्यान से सुनना अगर मान लिया किसी संख्या के बटे में मान लिया ये कोई संख्या ए है और नीचे बटे में मेरे भाई क्या है एक है तो आपको कुछ नहीं करना बस ए का डीएस देखना आपको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई ए का डीएस देखना है ए का डीएस देखना है मेरे भाई ऊपर वाली संख्या का डीएस देखना है मान लिया नीचे मेरे भाई क्या आ जाए दो आ जाए तो अब क्या करोगे मेरे भाई नीचे डीएस हमें कितना बनाना एक बनाना है नीचे हमें जो है ना डीएस एक बनाना तो क्या करेंगे अगर मैं इसको पांच से गुणा कर दू तो पांच दस और दस का डीएस एक हो जाता आपको जाएगी बिल्कुल तो नीचे गुणा किया तो पांच का ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा अब जो आंसर आएगा ए का जो डीएस था गुणा में क्या हो जाएगा मेरे भाई पांच हो जाएगा ए का डीएस जो भी था उसके गुणा में क्या कर दोगे पांच कर दोगे बस ये हमारा फाइनल डीएस आएगा नीचे जैसे ही डीएस एक बन जाए इसको भूल जाओ इसको भूल जाओ सिर्फ हम ऊपर वाली संख्या का डीएस देखेंगे वही हमारे डीएस होगा जैसे मेरे भाई अब ध्यान से देखो नीचे बटे में क्या आ जाए अगर नीचे बटे में मान लिया चार आ गया अब क्या करेंगे चार को मैं क्या बनाऊ कैसे किससे गुना करुकी कि एक बन जाए आप कहोगे जी सात से गुणा कर दो सात चौक के अट्ठाईस होता है और अट्ठाईस का डीएस कितना होता है मेरे भाई एक होता है क्योंकि आठ और दो दस दस का डीएस कितना एक तो मेरे भाई नीचे चार आ जाएगा तो हम किससे से गुना करेंगे साथ से तो ऊपर भी साथ से गुणा कर देंगे अब जो आंसर आएगा वो क्या आएगा मेरे भाई एक का डीएस एक का डीएस और गुणा में क्या कर दोगे मेरे भाई सात कर दोगे नीचे वाले को भूल जाओगे तो इस तरीके से हम बदलते हैं अब बड़े ही गौर से सुनना नीचे क्या आए तो क्या गुणा करना चाहिए इस बात को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है इस बात को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है मेरे भाई अब बड़े गौर से मेरी बातों को सुनना अब बड़े ही गौर से मेरी बातों को सुनना एक एक डाउट का जो है ना आपको जवाब मिलेगा एक एक डाउट का जो मेरे भाई आपको जवाब मिलेगा ठीक है ये हमारा क्वेश्चन था अब बड़े ध्यान से सुनना यहां पर मैं लिख रहा हूं मेरे भाई अगर बटे में अगर बटे में मेरे भाई दो आ जाए तो उसकी गुणा करनी है।, उसका भाई क्या होता है दो का दोस्त क्या होगा बड़े गौर से सुनना देखो मैं यहां पर लिख देता हूं नीचे मान लिया दो आ जाए तो इसकी किसके साथ गुणा करनी है भाई पांच के साथ गुणा करनी है और नीचे पांच आ जाएगा तो इसकी गुणा करनी है दो के साथ ताकि नीचे डीएस एक बन जाए ध्यान से सुनते रहना अगर नीचे चार आ जाए नीचे चार आ जाए तो इसकी गुणा करनी किसके साथ दोस्तों सात के साथ और सात आ जाएगा तो इसकी गुणा करनी है चार के साथ मेरे भाई अगर नीचे मेरे भाई बड़े ध्यान से सुनना पांच दो हो गया चार हो गया पांच हो गया मेरे भाई अगर यहां पर नीचे सात आ जाए वो भी कर लिया हमने अगर नीचे आठ आ जाएगा तो हम उसकी गुणा करेंगे आठ के साथ ही क्योंकि अठू अठू चौसठ होता है और चौंसठ का डीएस कितना मिलेगा छह और चार दस दस का डीएस कितना मेरे भाई एक होगा क्या मेरी बात को समझ पाए ये आपस में क्या होते हैं मेरे भाई इनका सब का सबका क्या करवा देना रिश्ता करवाना है इन सब का रिश्ता करवाना आपस में किन का रिश्ता करवाना मेरे भाई इनका रिश्ता करवाना है कि अगर नीचे दो आता है तो पांच से गुणा करेंगे पांच आएगा तो दो से गुणा करेंगे चार आएगा तो सात से गुणा करेंगे सात आएगा तो चार से गुणा करेंगे आठ आएगा तो आठ से गुणा करेंगे इस बात को समझ पाए इसका इनका रिश्ता करवाना है अब बड़े ही गौर से सुनना मैं एग्जाम्पल से जो है ना इन चीजों को कराऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है इस क्लास में ही होती रहे मैं आपको ये सारी चीजें जो है ना एग्जाम्पल से कराऊंगा ताकि आपकी क्लास में ही प्रैक्टिस होती रहे और फिर इसको और एडवांस लेवल पर लेकर जाएंगे मेरे भाई इसको और ज्यादा एडवांस लेवल पर लेकर जाएंगे बस आपका फर्ज ये बनता कि क्लास को एक बार सारे के सारे बच्चे इस चैनल को अपना परिवार मानकर एक बार शेयर कर दो भाई क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं लास्ट तक आपका साथ दूंगा तो आपका भी थोड़ा सा फर्ज इतना बनता कि सेशन को शेयर किया जाए ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक मेरी इस अप्रोच को इस मुहिम को और इस मेरे भाई जो मेहनत कर रहा हूं इसको पहुंचा जाए ठीक है ना ताकि ज्यादा ज्यादा बच्चे इसका फायदा उठा पाए अब बड़े ही गौर से सुनना बड़े ही ध्यान से सुनना मान लिया आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया ऐसा मान लिया आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया मेरे भाई ऐसा बड़े गौर से सुनना आपको कहा गया अट्ठावन गुणा में पांच सात दो ठीक है और बटे में कितना मेरे भाई बटे में मान लिया यहां पर दे रखा है सात आपसे कहा जाए मेरे भाई इसका डीएस बताओ कितना होगा इसका डीएस कितना होगा मेरे भाई आप मुझे बताओ इसका डीएस कितना होगा कोई बच्चा बता सकता है आपको बता सकते हैं देखो कुछ नहीं करना नीचे सात है तो इसकी किससे गुणा करेंगे हम चार के साथ गुणा करेंगे सात चौक अट्ठाईस का रिश्ता किसके साथ करवाया था चार के साथ तो ऊपर भी चार के साथ गुणा कर दो बस ऊपर वाली संख्याओं का हम क्या कर लेंगे डीएस देख लेंगे बात को समझ पा रहे हो ना मेरी बात को आपको कभी बिल्कुल समझ पा रहे हैं सर कोई डाउट नहीं है अगर मैं आपको कहता हूं सात पांच चार तीन और प्लस में है दो चार पांच छोड़ और बटे में कितना दे रखा है मेरे भाई पांच दे रखा है तो आप इसका डीएस कैसे निकालोगे आपको पता है जी देखो ऊपर वालों का डीएस निकालेंगे लेकिन नीचे तो पांच रहेगा नीचे हमें एक करना तो पांच का रिश्ता किसके साथ करवाया था दो के साथ तो ऊपर भी मेरे भाई क्या करना आपको दो से गुणा कर देना है ऊपर भी क्या कर देना दो से गुणा कर देना है अब ऊपर वालों का डीएस देख लो देखो मैं करके दिखाता हूं मैंने देखा यार यहां से पांच और चार नौ बन गया सात और तीन दस दस का डीएस एक होता है प्लस में यहां पर देखेगा यहाँ पर देखो पांच और चार नौ बन गया छह और दो आठ होता है आठ और एक कितना बन गया नौ नौ दुणी अठारह अठारह का डीएस कितना होगा मेरे भाई नौ इस क्वेश्चन का डीएस कितना आ जाएगा मेरे भाई नौ आ जाएगा इस क्वेश्चन का डीएस कितना आ जाएगा नौ हमें पूरी कैलकुलेशन करनी ही नहीं हमने डीएस देखा ऑप्शन में देखेंगे किस ऑप्शन का डीएस नो no है उसी को टिक कर देंगे मेरे भाई बात को समझ पा रहे हो अब मैं आपको कुछ और बातें बताता हूं यहां पर बड़े ही गौर से सुनना एक एक पॉइंट को लिखते चलना मेरे भाई या फिर लिखने की जरूरत नहीं पीडीएफ आपको मिलेगी ताकि मजा आ जाएगा मेरे भाई आपको ठीक है अब यहां से मैं एक चीज बता रहा हूं मैंने प्लस की बात कर ली मैंने हर जगह प्लस की बात कर ली अब मैं बात करता हूं मल्टीप्लाई और माइनस की मैं ये कहता हूं मेरे भाई देखो अगर आपको कोई कहता पांच पांच सौ छियालीस की गुणा करनी है 540 की गुणा करनी है 722 के साथ तो कितना आएगा मुझे बताओ 540 की गुणा करनी है 722 के साथ तो आप गुणा करोगे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा मैं कह रहा हूं भाई बात करो डीएस की डीएस पे काम करो आपने देखा पांच और चार नो छ बच गया अब गुणा का साइन है तो गुणा कर देंगे गुणा कर देंगे सात और दो नौ बन गया हटा दो, दो बन गया तो यहां से देखोगे छह दूनी कितना मेरे भाई बारह और बारह का डीएस कितना होता है तीन यानी कि इस क्वेश्चन का जो डीएस है वो कितना आ जाएगा तीन आ जाएगा इस क्वेश्चन का जो डीएस है मेरे भाई वो कितना आ जाएगा तीन आ जाएगा अब मैं यहां से एक बहुत ही प्यारी सी बात आपको बताता हूं अगर मैं नो का केस लू जैसे मैंने एक की गुणा की नो के साथ तो कितना आएगा नो आएगा मैंने दो की गुणा की मेरे भाई नो के साथ तो कितना आएगा अठारह और अठारह का डीएस भी कितना होगा नो होगा अगर मैं तीन के साथ नो की गुणा करता हूं तो यहां से नो किया सत्ताइस और सत्ताईस का मतलब क्या मेरे भाई डीएस कितना हो जाएगा नो अगर मैं तेरह के साथ भी नो की गुणा करूं तो तेरा निमा कितना होता है एक और एक सौ सत्रह का डीएस कितना हो जाएगा मेरे भाई नो हो जाएगा हमने एक बात सीखी यहां से हमने एक बात यह सीखी कि नो से गुणा अगर हो जाए अगर एक बार अगर एक बार अगर एक बार भी नो से गुणा हो गया नो से गुणा हो गया तो डीएस नो ही रहेगा भाई आपको मजा आएगा जब मैं क्वेश्चनों पे अप्लाई करूंगा ना इसको अब मैं थोड़ी देर के बाद क्वेश्चनों पे भी अप्लाई करके दिखाऊंगा बड़े बड़े क्वेश्चन जहां पर आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है इन सारी चीजों को एक बार ध्यान से सुनो फिर जब मैं अप्लाई करूंगा तो मजा आ जाएगा आपको मात्र तीन तीन चार चार सेकंड में क्वेश्चनों को सोल्व कर जाओगे समझ पाए तो नो से अगर एक बार गुणा हो गया तो मेरे भाई डीएस नो ही आएगा अब मैं इसका प्रैक्टिकल यूज बताता हूं आपको अब मैं इसका प्रैक्टिकल यूज बता दूं आपको बताओ सर देखो मैं इसको यहां पर एग्जांपल के तौर पर कराता हूं मान लिया मेरे सामने मेरे भाई किसी क्वेश्चन में इतनी भयंकर कैलकुलेशन आ गई मान लिया मेरे सामने किसी क्वेश्चन में ऐसी भयंकर क्वेश्चन आ गई कैलकुलेशन आगी वन पॉइंट गुणा में गुणा में सात गुणा में वन गुणा में चार तो मुझे कोई पूछे इसका आंसर क्या होगा भाई आपको भी पता है ये कैलकुलेशन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा काम महाभारत हो जाएगा लेकिन मैंने एक चीज देखी यार ये जो 1.8 है ना अच्छा देखो डी डेसिमल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये चीज मैं आपको समझाऊंगा डीएस पर परसेंटेज से और डेसीमल से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है डीएस पर परसेंटेज से और इन पॉइंटों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता अभी मैं ये भी कंसेप्ट बताऊंगा और क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा ठीक है ना अभी आप देखते रहो मैंने कहा यार आठ और एक नो इसका जोड़ कितना बनेगा गया नो no. यानी कि यार एक बार गुणा में कि, क्या आ गया नो no आ गया अगर एक बार गुणा में नो no आ गया तो मेरे भाई कुछ करने की जरूरत नहीं हंड्रेड परसेंट जो है ना इस क्वेश्चन का डीएस कितना होगा इस क्वेश्चन का डीएस मेरे भाई कितना होगा नो no होगा अगर एक बार गुणा में नो आ गया तो मुझे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन का हंड्रेड परसेंट जो डीएस होगा वो कितना होगा भाई नो होगा मैं प्रैक्टिकली तरीका यूज बताता हूं इसका ठीक है अब मैं आपको देखो कुछ क्वेश्चन अच्छा मैं एक कंसेप्ट और बता दू पहले तो यह कंसेप्ट आपको समझ में आ गया मैंने आपको क्या क्या बताया मैं फटाफट रिवाइज कराता हूं मैंने आपको कहा भाई डीएस क्या होता है किसी भी संख्या के अंकों का योग एक डिजिट में लेकर आना एक अंक में लेकर आना डीएस होता है या फिर आप नो से डिवाइड कर दो जो शेष बचेगा वो डीएस होता है पहली बात मैंने ये सीखी फिर मैंने कहा डीएस कैसे काम करता मेरे भाई डीएस क्यों लगाते हैं हम क्योंकि मेरे भाई जो क्वेश्चन का डीएस होता है वही आंसर का डीएस होता है हंड्रेड परसेंट तो हम क्वेश्चन का डीएस देखकर ऑप्शन में जाके बस ये देखेंगे किसका डीएस वो वही बन रहा है जो क्वेश्चन का था वही हमारा आंसर हो जाएगा दूसरी बात मैंने कहा क्या कहां कहां पर लग सकता है चाहे प्लस का क्वेश्चन हो चाहे माइनस का हो चाहे गुणा का हो चाहे भाग का हो यह सिंप्लीफिकेशन का काम नहीं है चाहे किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन हो हर एक चैप्टर पर लगेगा हर एक चैप्टर पर जहां पर भी कैलकुलेस क्योंकि हर एक चैप्टर में कैलकुलेशन होती है जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वहां पर हम डीएस लगा के कैलकुलेशन को कम करेंगे समझ पा रहे हो एक एक पॉइंट बताता जा रहा हूं 1.8 पॉइंट एट का डीएस नो है तो डीएस नो हो, नो होगा बिल्कुल मेरे भाई तो अब बड़े ध्यान से सुनना फिर मैंने आपको कहा कि भाई ये चीजें नो के आने से मैंने कहा नो के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता डीएस पे ये बात बताई फिर मैंने बताया अगर एक बार नो गुणा हो गया अगर एक बार नो गुणा हो गया तो मेरे भाई उसका डीएस नो ही रहेगा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं बड़े ध्यान से सुनना बीच बीच में रिवाइज कराता रहूंगा मैं फिर जब क्वेश्चन करेंगे मजा आ जाएगा क्या हम यहां पर हमारा क्वेश्चन है क्या परसेंटेज और डेसिमल में डेसिमल क्या होता है पॉइंट वाली संख्या क्या परसेंटेज और डेसिमल में भी डीएस लग सकता है तो मेरा जवाब है मेरे भाई यस बिल्कुल लगेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा जैसे कि देखो मैं इसका प्रैक्टिकल बताता हूं क्यों लगेगा जैसे मैंने लिखा मेरे भाई चौसठ परसेंटेज अगर कोई मुझसे इसका डीएस पूछे तो मैं डायरेक्ट कहूंगा छह च्या और चार दस दस का डीएस एक होता है इसका डीएस एक है आपको ऐसे कैसे देखेगा चौसठ प्रतिशत का मतलब क्या होता है मेरे भाई बटे में सो अब मेरे भाई इसका डीएस कितना नीचे वाली संख्या का एक डीएस है और नीचे अगर एक डीएस है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हम डायरेक्ट ऊपर वाली संख्या का डीएस देख के आंसर निकाल सकते हैं यही तो मैंने थोड़ी देर पहले चीज बताई थी अगर नीचे डीएस मेरे भाई एक बन रहा है अगर नीचे डीएस एक बन रहा है तो मेरे भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा डायरेक्ट कर सकते हो और प्रतिशत में क्या होगा प्रतिशत के नाम का तो बटे में सो आता है और सो आता तो नीचे डीएस एक ही रहेगा तो कोई फर्क पड़ना नहीं अगर कल को कोई मेरे सामने ऐसा क्वेश्चन देता है कल को कोई मेरे पास ऐसा क्वेश्चन भेजता है कि सर जी मुझे बताओ चार सौ का का मेरे भाई का का मतलब क्या का का मतलब होता गुणा का आप मुझे बताइएगा सत्तावन प्रतिशत कितना होता है कोई मुझसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो मैं इसका जवाब भी डीएस से दूंगा ना कि कैलकुलेशन करूंगा मैं क्या करूंगा मैं डीएस देखूंगा सात और दो नौ कट गया सात और चार ग्यारह ग्यारह का डीएस दो का का मतलब होता गुणा अभिन इनका डीएस देखूंगा डायरेक्ट सात और पांच बारह बारह का डीएस मेरे भाई तीन तो तीन दुनी छह यानी कि मेरे भाई इस क्वेश्चन का जो डीएस होगा ना इस क्वेश्चन का डीएस कितना होगा भाई छह होगा प्रतिशत से कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेम इसी तरीके से सेम इसी तरीके से डेसिमल पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डेसिमल का मतलब क्या है मान लिया दो संख्याओं के बाद पॉइंट है मान लिया दो संख्याओं के बाद पॉइंट है तो आप क्या करोगे दो संख्याओं के बाद पॉइंट है तो आप बटे में क्या करोगे सो करोगे क्या बात को समझ पाए भाई जल्दी से कमेंट करके बताओ तो मैं कह रहा हूं डेसिमल पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा देखेगा ना डेसीमल की मैं वैल्यू लेता हूं मान लिया मैंने डेसीमल लिया कोई मुझसे कहता पांच पॉइंट चार पांच पॉइंट चार एक गुणा में सात पॉइंट दो पांच ठीक है ना इसका मुझे बताओ मान क्या होगा तो मैं कुछ नहीं करूंगा इसका भी देखूंगा पांच और चार नो हो गया एक बच गया गुणा में सात और दो नो हट गया पांच बच गया तो इसका डीएस कितना आएगा मेरे भाई पांच आएगा क्योंकि पॉइंटों से इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा लिया मैं इसको ओपन भी करता तो पांच सौ इकतालीस बटे करता गुणा में इसको ओपन करता तो क्या करता मेरे भाई सातो पच्चीस बटे में शो करता नीचे तो डीएस डीएसए का ना नीचे डीएस डीएसए का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा डायरेक्ट आप ऊपर वाले से डीएस निकाल सकते हो और मैंने वही कहा पॉइंट को इग्नोर मार मैंने डायरेक्ट डीएस निकाल दिया पॉइंट को इग्नोर करके मैंने डायरेक्ट डीएस निकाल दिया अब मैं आपको एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन दिखाता हूं अब मैं आपको एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन दिखाता हूं यहां तक जो मैंने पढ़ा है मैं उस पर बेस्ट क्वेश्चन दिखाता हूं ठीक है ना फिर आगे बढ़ते रहेंगे हम और भी बहुत सारी चीजें सीखेंगे ये जो क्वेश्चन है मेरे भाई ये क्वेश्चन जो है ये आपका एस CHSL का क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन में है। मैं करा रहा है बड़े बड़े को भी जब इसकी, ना? तो बड़े बड़े क्वेश्चन को भी कराऊंगा पहले एक बार बेस तैयार कर रहा हूं देखिएगा कोई मुझसे पूछता है इस सवाल का जवाब क्या होगा देखो यहां पर क्या कहता है चार प्लस में नौ का चौसठ बराबर है नो प्लस में क्वेश्चन मार्ग तो क्वेश्चन मार्ग की जगह इनमें से क्या आएगा कुछ बच्चे क्या करेंगे पहले 950 का चौसठ परसेंट निकालेंगे उसको इसमें जोड़ेंगे जोड़ने के बाद जो भी आएगा 900 जाकर उसमें घटाएंगे बहुत ज्यादा टाइम लगा देंगे मैं क्या करूंगा मेरी बात को सुनना बड़े ध्यान से सुनना सात और पांच बारह बारह और चार सोलह सोलह का डीएस कितना मेरे भाई सात समझ पाए यहां पर देखो नो हट गया पांच का का मतलब गुना होता है गुना होगा मेरे भाई छह और चार दस दस का डीएस एक बराबर है इसका डीएस कितना होगा मेरे भाई नो होगा प्लस में क्वेश्चन मार्क है तो एक्स मैंने मान लिया अब देखो पांच एकम पांच पांच और सात बारह बारह का डीएस कितना मेरे भाई तीन अब ये नो जो है ना उधर जाकर घटेगा तो इधर क्या आ गया मेरे भाई एक्स आ गया तो आप कहोगे जी एक्स की वैल्यू क्या आएगी गई डीएस निकाल रहा हूं मैं सिर्फ डीएस पे काम कर रहा हूं तो तीन में से नो गया माइनस छोड़ा डीएस कितना आ माइनस छ लेकिन डीएस कभी भी माइनस में नहीं हो सकता इसलिए एक बात को याद रखना कभी भी जब डीएस माइनस में आ जाए जब डीएस माइनस में आ जाए जब डीएस माइनस में आ जाए जब डीएस माइनस में आए तो नो जोड़कर तो क्या करेंगे नौ जोड़कर प्लस में बदल देंगे बस आप में से कोई सोल्व कर सकता है कैलकुलेटर उठा के या कॉपी पे तो मैंने देखा इसका डीएस छः आ गया माइनस आ गया तो मैं क्या करूंगा इसको मैं नो जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई तीन डीएस हो गया इस क्वेश्चन का जो भी एक्स की वैल्यू होगी इसका डीएस कितना मिलेगा मेरे भाई तीन मिलेगा बस ये देख लो किसका डीएस तीन है मैंने देखा आठ रेक नो हट गया तीन डीएस इसका आ रहा है मेरे भाई ये देखा तीन और तीन छो आठ इसका तो डीएस आठ बन रहा है मेरे भाई आंसर नहीं हो सकता इसका डीएस कितना बन रहा है हटा दिया आठ रेक नो हटा दिया चार डीएस बनना यह भी नहीं हो सकता यहां पर देखो आठ रेक नो हटा दिया तीन और तीन नो हटा दिया मेरे भाई इसका डीएस नो बन रहा है तो ये भी नहीं हो सकता आंसर मेरा क्या आएगा यह आएगा मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं है। ना? मैं हर एक कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा सर जी, अगर दो ऑप्शनों का सेम मिला तब क्या तो मैं हर एक बात का जवाब दूंगा, दूंगा जो भी आपके मन में डाउट आता है ठीक है ना मेरे भाई जो भी आपके मन में डाउट आता एक जवाब मिलेगा एक एक सवाल का ठीक है ना किसी भी चीज को घबराने की जरूरत नहीं है ठीक है अब ध्यान से देख ये बात समझ में आई क्योंकि मैंने देखा ये क्वेश्चन का डीएस जो है तीन बनना था तो मेरे भाई इसका डीएस एक ही ऑप्शन दे रखा था इसको टिक करूंगा और आगे बढ़ूंगा अगला क्वेश्चन देखो एक बार यहां पर देखेगा ये क्वेश्चन जो है ना ये क्वेश्चन कहां पर आता है भैया एमटीएस के पेपर का क्वेश्चन है ये एमटीएस के पेपर का क्वेश्चन है मेरे भाई अब बड़े ध्यान से साल मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं बुक से देख के मैंने टाइप किए तो साल मैं भूल गया कौन सा साल था एमटीएस का क्वेश्चन है अब यहां पर बच्चा क्या करेगा मेरे भाई कैलकुलेशन करके फंसेगा ये आपको पता है चार सौ इकसठ किसके साथ गुणा करेगा फिर ये जोड़ोगे कुछ मत करो यार डीएस देखो आपने देखा छह और चार दस और एक ग्यारह ग्यारह का डीएस दो

एक सात एक आठ रो एक नो ये हट गया मेरे भाई यहाँ पर डीएस कितना रह गया आठ ये आंसर हो सकता है यहां पर देखेगा मेरे भाई बड़े ध्यान से सुनो फटाफट सात एक आठ रो एक नो नो हटा दिया पांच और दो सात और नौ नो इसका तो डीएस नो आ गया आंसर नहीं होगा क्योंकि डीएस सही आठ यहां पर देखोगे पांच और चार नो गया सात एक आठ रो एक नो गया पांच बच गया आंसर नहीं होगा तो मेरे भाई डीएस आठ आना चाहिए था बी ऑप्शन का था यही मेरा करेक्ट आंसर है मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई बी होगा तो यकीन मानिएगा जितनी देर में आप इनको गुणा करोगे उतनी देर में तो ऐसे ऐसे पांच से छह सवाल कर दोगे उतनी देर में तो आप पांच से छह सवाल कर दोगे मुझे बताओ बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही मुझे बताओ मेरे भाई मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा अगर मजा आ रहा है तो मेरे भाई सेशन को लाइक करें और सेशन को शेयर जरूर करें सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहना मेरे भाई देखो बस कुछ नहीं चाहिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए आप लोगों का प्यार चाहिए मैं बिल्कुल सेशन जो है कंटिन्यू रखूंगा बिल्कुल फ्री में सारा का सारा कंटेंट जो है मैथ का और रीजनिंग का मैं आपको पढ़ाऊंगा और सिर्फ टॉपिक ही नहीं जितने भी मैथ और रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी सारे के सारे कराऊंगा एग्जाम से पहले तो बस आपको भी थोड़ा सा इस चैनल को अपना परिवार मानकर सेशन को शेयर जरूर करना ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाना है तो क्या मेरी बातों को समझ पाए अब देखिएगा मैं आपको एक चीज बताता हूं आपके माइंड में यह आ रहा होगा गुरु आपने ना एक जगह ये बताया था आपने एक जगह ये बताया था कि सर देखेगा मैं एक एक जवाब सवाल का जवाब दूंगा आपने बताया था कि बटे में दो आ जाए तो पांच से गुना कर देना पांच आ जाए तो दो से गुना कर देना चार आए तो सात से गुना कर देना सात आए तो चार से गुना कर देना आठ आए तो आठ से गुना कर देना यह आपने बात बताई थी बटे में आ जाए तो लेकिन गुरु जी आपने जिक्र नहीं किया एक बात का कौन सी बात का कि अगर बटे में तीन आ जाए भाई अगर बटे में तीन आ जाए बटे में छह आ जाए बटे में नौ आ जाए तब क्या करेंगे बाकी के नंबर तो मैंने ले लिए लेकिन मैंने तीन छो को छोड़ दिया तो मेरे भाई इस पर भी बात करेंगे अब बड़े गौर से सुनना अगर ध्यान से सुनो मेरी बात को इनका स्पेशल रूल है अगर बटे में तीन आ जाएगा छ आ जाएगा या नो आ जाएगा तो वहां पर मेरे भाई क्या करना है इनको काटना है तीन छो को काटो काटो भाई ऊपर वाली संख्या से काटेंगे ना काटेंगे काटो मेरे भाई अगर कट जाए अगर कट जाए तो डीएस लगेगा नहीं तो नहीं तो डीएस नहीं लगेगा आपको हर कोई यह बताता कि डीएस कैसे लगाएं, पर यह कोई नहीं बताता कि डीएस कहां पर नहीं लगेगा हर एक चीज को जानना है ठीक है ना अगर बटे में तीन छह नौ आ जाए तो ऊपर वाली संख्याओं से काटो अगर कट गए तो डीएस लगा देंगे अगर मान लिया नहीं कटे बटे में तीन बना रहा बटे में छ बना रहा बटे में नो बना रहा तो मेरे भाई वहां पर डीएस नहीं लगेगा इस बात को समझ लेना वहां पर डीएस नहीं लगेगा वहां पर हम कोई और तरीका लगाएंगे को, कोई और तरीका क्या जो दो तरीकों की ओर बात कर रहा हूं मैं दो तरीके और बताऊंगा उन दो तरीकों को लगाएंगे तो मेरे भाई निचोड़ तो सब चीज का निकालेंगे हल सब चीजों का है मेरे भाई बट आपको लिमिटेशन भी समझ नहीं डीएस कहां कहां पर नहीं लगेगा बटे में तीन छह या नो रह जाएगा तो डीएस नहीं लगेगा और डीएस कहां कहां पर नहीं लगेगा अब इस बात को भी समझे और डीएस जो है ना कहां पर नहीं लगेगा इस बात को समझो जहां पर हमारा आंसर अगर आंसर अप्रोक्सीमेट में आ रहा है अप्रोक्सीमेट में है तो डीएस ना लगाएं तो वहां पर डीएस ना लगाएं लेकिन आपको पता है, मैंने कहा था नब्बे से 95 परसेंट तक क्वेश्चन जो है ना आपके इस तरीके से सोल्व हो जाते हैं जो बच गए सात आठ परसेंट क्वेश्चन वो मैंने इसीलिए छोड़े थे क्या पता हो सकता है अप्रोक्सीमेशन पे क्वेश्चन पूछ रखा हो क्योंकि आपको पता है, एक दो क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन पे भी पूछ लेता है पूछ लेता है कि नहीं पूछ लेता आपको जी बिल्कुल पूछ लेता है तो वहां पर हम डीएस का यूज नहीं करेंगे वहां पर अपने तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे उससे निपटने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा आपको पता है अच्छा दूसरी बात कहां पर नहीं लगाई डीएस कहां नहीं लगाना डीएस कहा नहीं लगाना यह हमारा कंसेप्ट है तो एक तो यह तरीका मेरे भाई एक कहां पर नहीं लगाना अगर नीचे अगर नीचे तीन छह नो no, बच जाए मतलब काटने के बाद भी बच जाए ना काटे बच जाए तो डीएस ना लगाए नहीं लगेगा ठीक है तो वहां पर भी डीएस जो मेरे भाई नहीं लगेगा एक एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा मजा आएगा लेकिन मेरे भाई 90 से बनवा परसेंट तक मैं दावा करके कह सकता हूं मेरे भाई डीएस लगेगा और बहुत बड़ा एरिया हो जाता है नब्बे बड़वा परसेंट ठीक है ना तो आपकी बहुत ज्यादा कैलकुलेशन जो खत्म हो जाएगी ठीक है ना हाँ बिल्कुल सीटी के पेपर तक मैं टॉपिक पूरे कराऊंगा ठीक है ना क्योंकि संडे को लंबी क्लासेस होंगी सैटरडे को लंबी क्लासेस होंगी तो मैं कराऊंगा बात को समझ पाए मुझे बात नहीं है मुझे बताओ बस ये बातें समझ में आई कि नहीं आई मैंने एक कंसेप्ट आपको बताया था एक कंसेप्ट मैंने बताया था अगर डीएस माइनस में आ जाए तो प्लस नो कर देना जैसे कोई मुझसे ये पूछता है कोई मुझसे ये पूछता है मेरे भाई मुझे बताओ सैंतीस माइनस में सैंतीस माइनस में आपको करना बयालीस तो इसका डीएस बता दो मेरे को कितना आएगा आप आपको देखो अच्छा सैंतीस बयालीस नहीं यहां पर कुछ और लिख लो यहां पर आप लिख लो सत्तावन माइनस में बयालीस करना है तो इसका आंसर कितना आएगा पंद्रह और पंद्रह का डीएस कितना होता है जी 6 होता है ये आपका ठीक है ना मैं कहता हूं आपने ये तो पूरा घटाया और फिर डीएस निकाला डायरेक्ट डीएस कैसे निकालोगे पांच और सात बारह बारह का डीएस तीन चार और दो छह तो तीन में से छह घटाओगे कितना बचेगा माइनस का तीन तो डीएस कैसे निकालेंगे जब माइनस की वैल्यू आ जाएगी तो उसमें प्लस नो no कर देंगे मेरे भाई और नो में से तीन गया कितना बचेगा छह तो यही तो डीएस था मेरे भाई यही तो था डीएस यानी कि हम क्या करेंगे जब भी हमारा डीएस माइनस में आ जाएगा जब भी हमारा डीएस माइनस में आ जाएगा मेरे भाई तो उसमें नो जोड़कर हम उसको प्लस का डीएस में बदल लेंगे सिंपल सी बात है उसमें सिर्फ नो जोड़कर हम परफेक्ट डीएस में बदल लेंगे यहां तक मुझे बताओ किसी भी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं जल्दी से बता दो मेरे भाई क्या किसी भी बच्चे को यहां तक डाउट है ठीक है ना अब देखेगा मैंने आपको बताया कि जहां पर मेरे भाई तीन छह नौ बच्चे बच जाए तो वहां पर डीएस नहीं ले एक एग्जाम्पल भी ले, ले लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए एक एग्जाम्पल लेता हूं मान लिया मेरे सामने कोई संख्या है यह संख्या है और इसको मैं तीन से डिवाइड कर रहा हूं तो क्या है यहां पर मैं डीएस से क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूं बताओ मेरे भाई नहीं कर सकता इसका जो आंसर आएगा ना इसका आंसर अप्रोक्सीमेशन पे आएगा इसका आंसर अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा हंड्रेड बेसिक से करके देख लेना कैलकुलेटर आपके फोन में है करके देख लेना इसका आंसर अप्रोक्सीमेट आएगा मतलब एकट आंसर नहीं आएगा रीजन क्या मैं बताता हूं देखो तीन से ऊपर वाली संख्या कट नहीं रही क्योंकि तीन का रूल क्या है अगर अंकों का योग तीन से डिवाइड हो जाएगा तो संख्या कटेगी आप देखो और तो से कट गया, गया। बारह भी कट गया लेकिन एक बच गया मेरे भाई तीन से नहीं कटेगा और तीन से नहीं कटेगा तो नीचे तीन बना रहेगा तो यहां पर डीएस डीएस नहीं लगेगा यहां पर हम क्या करेंगे डीएस नहीं लगाएंगे मेरे भाई यहां पर डीएस नहीं लगेगा तो आपको हर एक चीज का पता होना चाहिए अगर कोई भी कंसेप्ट आप सीखते हो तो उसकी सारी चीजें जब आपको बताऊंगी तभी आप बेस्ट तरीके से उसको अप्लाई कर सकते हो तभी आप उसको क्या करोगे बेस्ट तरीके से आप उसको यूज आ, यूज कर सकते हो आप कैलकुलेटर उठाओ इसका जो आंसर होगा मेरे भाई वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी परफेक्ट वैल्यू नहीं आएगी इसकी जो वैल्यू आएगी मेरे भाई वो परफेक्ट वैल्यू नहीं आएगी क्या मेरी बातों को समझ पाए जल्दी से बात बताओ मुझे बताओ मेरे भाई क्या इस बात को समझ पाए हाँ भाई समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे समझ पा रहे हो ना अब देखेगा मैं कोई वैल्यूज लिखता हूं यहां पर कैलकुलेटर अपना निकाल लेता हूं मैं अपने फोन में कैलकुलेटर निकालता हूं और मैं आपको प्रैक्टिकली इनका यूज करके दिखाता हूं ठीक है प्रैक्टिकली इनका यूज करके दिखाऊंगा फिर मैं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन लगाकर आपको सिखाता हूं ठीक है मैं कैलकुलेटर लगा लेता हूं और यहां पर मैं आपको प्रैक्टिकली इसका यूज करके दिखाऊंगा क्योंकि यह बहुत ज्यादा जरूरी आपको यूज करके दिखाना क्योंकि तभी आप भी इसको अप्लाई कर पाओगे अच्छे से ठीक है ना क्योंकि कोई भी हमने सीखा तो उसका प्रैक्टिकली यूज सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है कुछ क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं मैं यहां पर कैलकुलेटर का यूज करता हूं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ और फिर मैं उसको डीएस से सोल्व करके दिखाता हूं मैंने कहा मैंने लिखा चौदह बत्तीस बटे में बत्तीस ठीक है इसका आंसर क्या आएगा मैं देख लेता हूं चौदह सो बत्तीस चौदह बत्तीस भाग में 32 आप लोग भी ट्राई करिए इसका आंसर इन्होंने बताया मेरे भाई पॉइंट 44.75 इसका आंसर इन्होंने इतना बताया ठीक है हम डीएस से करके देखेंगे अगला क्वेश्चन मान लिया मेरे सामने ये है अगला क्वेश्चन मेरे सामने ये है 500 45 भाग में 10 545 भाग में दस। ये तो कर लोगे ना आसान है यहां पर कुछ और वैल्यू लेते थोड़ी सी बड़ी सी वैल्यू लेते मैंने लिखा 4156 गुणा में 1700 बासठ प्लस में सात सौ इकतालीस मैंने लिखा देखो इकतालीस सौ छप्पन गुणा में लिखा मैंने सत्रह सौ बासठ प्लस में लिखा सात सौ इकतालीस इसका आंसर कैलकुलेटर ने बताया ये ठीक है ये कैलकुलेशन ये आंसर बताया कैलकुलेटर ने एक क्वेश्चन और लिख लो एक क्वेश्चन और लिख लो मैं भाग का एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैंने लिखा सात चार हजार पांच सौ सड़सठ भाग में ठीक है? मैंने पैतालीसौ सड़सठ भाग में चार है मेरे भाई भाग में क्या है चार है तो मुझे इसका आंसर मिला कैलकुलेटर की तरफ से यह मिला मेरे भाई तो आप देखेगा हमारे सामने आंसर भी है पर हम क्या डीएसएन के आंसर निकाल सकते थे क्या हम डिजिटल सम का यूज करके इनका आंसर निकाल सकते थे बिल्कुल निकाल सकते थे देखेगा कुछ नहीं करना था हमें पता है इसका आंसर करेक्ट ये है हमें अपने जो मैंने सीखा उसको प्रैक्टिकली मैं यूज करके देखता हूं मेरे को पता है नीचे डीएस कितना बन गया तीन और दो पांच पांच बना तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा दो से क्योंकि पांच का रिश्ता करवाया था दो के साथ तो ऊपर भी दो के साथ रिश्ता करवा दो नीचे को भूल जाओ अब अब डायरेक्ट सिर्फ इसका डीएस देखो देखो मेरे भाई चार और तीन सात और दो नो तो कट गया एक बच गया नो तो कट गया दो एकम दो यानी कि डीएस कितना आ गया मेरे भाई मेरे पास डीएस आ गया दो तो यहां पर भी डीएस दो होना चाहिए है ना आप देखोगे पांच और चार नो सात और चार ग्यारह ग्यारह का डीएस कितना होता है मेरे भाई दो यही तो आंसर है यही तो आंसर है कि नहीं मेरे भाई जल्दी से बताऊं अब ध्यान से देखो इसका इसका मुझे डीएस निकालना है तो मैं क्या करूंगा सात और दो नो बन गया छह और एक सात सात डीएस आ गया गुणा है तो गुणा लगाओ पांच और चार नो बन गया छह और एक सात सात बन गया मेरे भाई उनचास उनचास में नो को हटा दो चार डीएस आ गया प्लस में है यहां पर देखो सात और चार ग्यारह और एक बारह बारह का डीएस तीन तीन और चार सात तो यानी कि डीएस कितना आ गया मेरे भाई डीएस आ गया क्वेश्चन का सात ऑप्शन आंसर का भी डीएस सात मिलेगा बेसिक से करके देखो सात और दोनों कट गया छह और तीन नौ कट गया तीन और एक चार चार और तीन सात आ गया कि नहीं आ गया मेरे भाई मुझे बताओ फटाफट आपको बिल्कुल आ गया यहां चार से डिवाइड करना था तो मैं डीएस कैसे लगाऊं चार का रिश्ता किसके साथ करवाया था सात के साथ ये याद रखना है चार का रिश्ता करवाया था सात के साथ तो मेरे भाई ऊपर भी सात के साथ गुना कर दो अब देखो डीएस देखो डायरेक्ट कितना होगा पांच और चार नौ बन गया छह और सात मेरे भाई तेरह तेरह का डीएस चार गुना में सात है तो सात चौके अट्ठाईस अट्ठाइस का डीएस कितना होगा मेरे भाई एक अट्ठाईस का डीएस कितना होगा एक होगा तो आंसर का डीएस भी एक मिलेगा बेसिक से करके देख लो पांच और चार

कि मान लिया दो संख्या दो ऑप्शनों में डीएससीएम दे रखा है मान लिया दो ऑप्शन सर आप बेस्ट टीचर पहले ने मिल जाते तो जॉब लग जाते कोई नहीं मेरे भाई देर कभी नहीं होती है ना तो अभी से शुरुआत करो जल्दी ही जॉब भी लग जाओगे मेरे भाई मैं आपके साथ खड़ा हूं 49 का डीएससीआर कैसे करना सर जी 49 का डीएससीआर कैसे 49 का डीएससीआर इसलिए मेरे भाई क्योंकि 9 से कोई फर्क नहीं पड़ा डीएस कितना आएगा चार आएगा का डीएस चार क्यों है क्योंकि नौ से कोई फर्क नहीं पड़ा चार्वेशन बच्चों के माइंड में उठ रहे ऑप्शन ऐसे आगे जहां पर डीएस सेम है तो मेरे भाई और बहुत सारे तरीके हैं आपके पास जैसे मेरे भाई मान लिया किसी ऑप्शन किसी क्वेश्चन के चार ऑप्शन दे रखे किसी क्वेश्चन के चार ऑप्शन दे रखे मेरे भाई मान लिया एक ऑप्शन दे रखा चार सात पांच एक ये दे रखा है ठीक है ना एक ऑप्शन ये दे रखा मेरे भाई तो अब बड़े गौर से सुना जो मैं बात बताऊंगा एक दे रखा चार चार आठ एक एक यहां पर देखिएगा, चार तीन आठ दो एक ऑप्शन दे रखा मेरे भाई ये ठीक है एक ऑप्शन दे रखा पांच सात नौ चार दो एक ऑप्शन दे रखा है ऐसा एक ऑप्शन आपको दे दिया सात चार एक एक सात पांच एक ऑप्शन दे दिया ये तो आप क्या करोगे मेरे भाई आपने मान लिया कट गया सात और आठ डीएस आ गया इसका देखा मेरे भाई यहां पर चार और तीन सात और दो नो यहां पर भी डीएस कितना आठ आ गया मेरे भाई अब तो देखो इसका डीएस देखा नो कट गया पांच और चार नो कट गया सात और, और, और दो नो कट गया मेरे भाई इसका डीएस नो आ गया इसका देखा सात और एक आठ और एक नौ पांच और चार नौ यहां पर भी डीएस कितना आ गया अब आप फंस गए सर जी हमारे क्वेश्चन का डीएस आठ था लेकिन यहां पर दो ऑप्शन में आठ आ गया तो मेरे भाई आप क्या कर सकते हो देखो आप इकाई का अंक यहां पर एक है यहां पर दो है तो आप इकाई के अंक से भी तो कर सकते हो ना यहां पर हम क्या करेंगे इकाई का अंक देखेंगे इकाई का अंक देखेंगे मान लिया क्वेश्चन में इकाई का अंक मान लिया क्वेश्चन में इकाई का अंक सोल्व करने पर हमारा एक आ रहा था तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई फिर ये हो जाएगा फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा दो आ रहा होगा तो नीचे वाला हो जाएगा ठीक है एक सेकंड ये ओके रुक सुन मैंने भी ज़्यादा शरीफ मत सुन अरे कौन बकवास कर रहा है योगेश मैं उसको हटाई देता मेरे भाई देख लेता मैं कौन है ऊपर चले गए भाई कमेंट अरे मेरे भाई सुनो यार आप लोग जो भी है ना यहां पर बकवास कर रहे हैं प्लीज़ एक बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरे भाई क्लास को डिस्टर्ब मत करो क्लास को डिस्टर्ब मत करिएगा मेरे भाई है ना क्लास को डिस्टर्ब मत करिएगा बस प्लीज़ अच्छे से पढ़ लो यार है ना अच्छे से पढ़ लो मेरे भाई फ्री में पढ़ा रहा हूं कोई किसी से पैसा नहीं ले रहा स्टूडियो का भी किराया दे रहा हूं पीपीटी बनवाने का भी खर्चा लगता है मेरा ठीक है ना उसके बावजूद भी आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूं मेरे भाई कोई गलत काम तो नहीं कर रहा ना तो क्यों क्लास को डिस्टर्ब करने आते हो दो तीन बच्चे आ जाते हैं क्लास को डिस्टर्ब करने ऐसा मत करो यार ऐसा मत करो यार अपनी आत्मा पे हाथ रख के देखो आपको क्या मिल जाएगा इस चीज से क्लास को डिस्टर्ब करके कुछ सोच के देखेगा अपनी आत्मा पे हाथ रख के देखो आपको मिल आ जाएगा इस तरीके से क्लास को डिस्टर्ब करके आप कितने बच्चों का नुकसान कर रहे हो भाई क्या बोल रहे हो डिवाइड वाले रूल बताना जी एक बार प्लीज डिवाइड वाला रूल बताता हूं ठीक है डिवाइड वाला रूल मैंने बताया था देखो अगर हम किसी से डिवाइड करते हैं मान लिया नीचे अगर डीएस एक है अगर नीचे डीएस एक है तो कोई दिक्कत नहीं है अगर नीचे डी एस एक नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे मान लिया नीचे दो है तो इसकी गुणा कर देंगे पांच के साथ और अगर नीचे पांच है तो उसकी गुणा कर देंगे दो के साथ समझ पाए अगर नीचे चार है तो इसकी गुणा कर देंगे सात के साथ और सात तो इसकी गुणा कर देंगे चार के साथ तो मेरे भाई डी एस एक बन जाएगा क्योंकि पांच धोनी दस दस का डी एस एक साथ चौके अट्ठाइस अट्ठाईस का डीएस कितना होता है मेरे भाई आपको दस दस का डीएस एक ठीक है ना हमें मेन मकसद हमारा क्या है हमारा मेन मकसद क्या है नीचे डीएस एक बनाना अगर यहां पर मेरे भाई कुछ और आ जाए आठ आ जाए तो आठ की गुणा कर देंगे आठ के साथ क्योंकि आठू आठू चौसठ चौसठ का डीएस एक तो यानी कि हमारा मेन मकसद क्या है मकसद क्या है मेरे भाई हमारा हमारा मकसद क्या है मेरे भाई हमारा मकसद है मकसद नीचे नीचे डीएस एक बनाना है मैं बिल्कुल मैं देसी लैंग्वेज में आपको एक एक चीज लिख रहा हूं मेरे भाई ताकि कभी भी आप इन चीजों को देखो तो आप आसानी से चीजों को समझ पाओ नोट्स को अच्छे से समझ पाओ ठीक है ना मैं इस तरीके से काम कर रहा हूं मेरे भाई ठीक है ना तो मेरे भाई आप चीज चीजों को समझिएगा बड़े ध्यान से ये चीजें बहुत काम आने वाली हैं ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं तो इन बातों को समझना सीख जाओ अब देखिएगा मैं एक क्वेश्चन आपको कराऊं मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं मेरे भाई कहीं पर डीएस डायरेक्ट ना लगा पाऊं तो इनडायरेक्ट रूप से भी डीएस को लगा सकते हैं अगर मान लिया आप डायरेक्ट डीएस नहीं लगा पाए तो आप इनडायरेक्ट रूप से भी डीएस लगा सकते हैं मेरे भाई अच्छा डीएस सेम होगा तो भाई हम इकाई का अंक देख सकते हैं एस अगर सेम होगा तो हम क्या कर सकते हैं मेरे भाई इकाई इकाएकांक देख सकते हैं मैं एक ऑप्शन देता हूं एक एग्जांपल से मैं आपको चीज समझाता हूं तब आपको समझ में आएगी ठीक है ना मुझे वापस से वही कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा मैं आपको एक एग्जाम्पल से एक बात समझाता हूं मान लिया आपके पेपर में क्वेश्चन ही आ गया बड़े ध्यान से सुनना मेरे भाई मैंने क्वेश्चन लिखा यहां पर मैंने क्वेश्चन लिखा ये लिख दिया मेरे मेरे पेपर में क्वेश्चन आ गया ऐसा अब इसका आंसर क्या होगा मैं देख लेता हूं चार सात पांच दो मल्टीप्लाई चार सात तीन दो चार सात तीन दो प्लस में क्या करना भाई पांच सौ इकहत्तर पांच सौ इकहत्तर और माइनस में क्या करना माइनस में करना तीन सौ चौबीस ठीक है ये मैंने क्वेश्चन देखा इसका आंसर बता रहा है कैलकुलेटर बाईस अड़तालीस छह सात एक, एक. मान लिया एक ऑप्शन तो हमारे पास ये है ठीक है ये हमारे पास क्वेश्चन था मैं इसके ऑप्शन देता हूं यहां पर एक ऑप्शन ये है बी ऑप्शन आपको दे रखा क्या यहां पर बी ऑप्शन देख लेता हूं फटाफट इसका वो कर लेता हूं पहले डीएस निकाल लेता हूं ताकि मैं आपको सही तरीके से समझा पाऊं करना क्या है यहां पर दस और आठ अठारह हट गया चार ठीक है ना मेरे भाई अब मैं एक ऑप्शन देता हूं एक ऑप्शन ये है ठीक है मेरे भाई सी ऑप्शन दे दिया पांच चार तीन दो छ सात एक ऑप्शन दे दिया मान लिया आपको पेपर में पांच सात एक चार एक आठ दो मान लिये ये ऑप्शन आ गया आपके ठीक है ये ऑप्शन आ आगे इस क्वेश्चन के तो आप क्या करोगे मेरे भाई आप क्या करोगे बड़े ध्यान से सुनना आप इसको कैलकुलेशन नहीं करोगे आपको पता है यार आपकी पांच छह मिनट खराब हो जाएंगी आपकी पांच छह मिनट खराब हो जाएंगी सर जी ब्लॉक कर दो भाई योगेश देखो सच बताओ मेरे को टेक्निकल नॉलेज इतनी है नहीं ये जो लैपटॉप था मैं गया तो था पर मेरे को ब्लॉक करना वहाँ से आया नहीं क्योंकि मैंने कमेंट थोड़े से बड़े करवा रखे ताकि आपके कमेंट पढ़ पाऊँ वो पीछे जाके पता नहीं क्या करना पड़ेगा मैं आज सीख लूँगा सारी चीज़ें मैं सीख रहा हूँ धीरे धीरे से आपको पता क्लास का लिंक भी आपको बिल्कुल ए, क्लास से थोड़ी देर पहले ही मिलता है क्योंकि बार बार किसी को बोल नहीं सकता आज मैं बैठ के ये सारी चीज़ें सीखूंगा कि क्लास का लिंक कैसे बनाना है ठीक है ना और क्लास को रिकॉर्ड भी कैसे करना ताकि मैं कोई रिकॉर्ड करके भी क्लास आप तक पहुँचा पाऊँ और ये सारी चीज़ें मैं सीख लूँगा ठीक है ना धीरे धीरे चीज़ सीखने क्योंकि मेरे पास कोई टीम तो है नहीं मेरे पास कोई टीम तो नहीं अकेला ही लगा हुआ हूं मेरे भाई ठीक है तो सीख लूंगा आज मैं इन चीजों को और जो भी बच्चों को डिस्टर्ब करेगा उसको मैं ब्लॉक कर दूंगा मेरे बारे में कुछ भी बोलो पर बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करेगा कोई भी अब ध्यान से सुनो यहां पर क्वेश्चन मेरे पास आ गया तो मैं इसका डीएस देखूंगा डीएस कैसे देखूंगा, देखूंगा? सात और दो नौ कट गया पांच और चार नौ कट गया नौ आ गया अब नौ की गुणा होगी तो मेरे भाई कुछ भी आ जाए नो डीएस रहेगा आपको पता नहीं रूल बताए यहां पर नौ की गुणा करोगे तो डीएस नो ही आएगा क्योंकि गुणा होने पर डी नो ही रहेगा अगर नो आ गया तो प्लस में यहां पर देखो पांच और सात और सत बार और एक तेरह तेरह का डीएस कितना होगा मेरे भाई माइनस में यहां पर देखो तीन और चार सात सात और दोनों नो आ गया मेरे भाई नो से तो नो कट गया आप कहो जी डीएस क्वेश्चन का कितना आ गया क्वेश्चन का डीएस आ गया भाई चार क्वेश्चन का जो डीएस है वो कितना आ गया चार अब देखोगे ना आप यहां पर आप देखोगे तो आपको दो ऑप्शन ऐसे मिलेंगे जिनका डीएस चार है कैसे बड़े गौर से सुनो जैसे इसका डीएस देखो कि सात और एक आठ और एक नो हटा दिया हटा दिया मेरे भाई यहां से देखो छह और चार दस और आठ अठारह अठारह का डीएस नो बनेगा हटा दिया दो और दो चार यानी कि इसका डीएस चार है यानी कि यह आंसर हो सकता है अब इसका देखेगा मेरे भाई पांच और चार नौ बन गया हटा दिया छ और तीन नौ बन गया हटा दिया आठ और एक नौ बन गया हटा दिया चार डीएस बना यानी कि यह भी आंसर हो सकता है यहां पर देखोगे कि बन गया सात और दो नौ बन गया छह और तीन नौ बन गया नो डीएस बना यह आंसर नहीं हो सकता क्योंकि डीएस मुझे चाहिए चार यहां पर देखोगे मेरे भाई पांच और चार नौ बन गया सात और एक आठ और, और एक नौ आठ और दो दस दस का डीएस एक होता है मेरे भाई एक नहीं हो सकता हमें डीएस चाहिए चार अब दो ऑप्शन ऐसे आगे डीएस चार था तो मैं क्या करूंगा यार इकाई का अंक देखूंगा इसका चार है इसका इसका एक है है एक मेरे भाई तो आप इकाई का अंक देखोगे दो दुनी चार चार में एक जोड़ोगे पांच पांच में से चार घटाओगे कितना आएगा एक यानी कि इकाई का अंक आएगा मेरे भाई एक इसमें तो इकाई का अंक चार था यह भी कट गया आंसर क्या आएगा यह आएगा तो बात को समझ पाए जहां पर एक एक से ज्यादा ऑप्शन में डीएस आ जाए सेम तो वहां पर इकाई के अंक का यूज कर सकते हैं और भी बहुत सारे तरीके डिविजिबिलिटी रूल का यूज कर सकते हैं ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा ठीक है ना ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा हाँ यूनिट डिजिट एक चाहिए यूनिट डिजिट एक चाहिए और डीएस कितना चाहिए मेरे भाई डीएस चाहिए हमें चार तो उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आ गई अब मैं आपको बताता हूं डीएस को इनडायरेक्ट रूप से भी लगा सकते हो आपको मजा आएगा अब जो मैं आपको बात बताना चाहता हूं अब देखेगा एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं पहले एक सिंपल क्वेश्चन मैं मैं आपको कराता हूं देखो देखो ये पहले मुझे सिंपल सा क्वेश्चन परसेंटेज पे लगा कर दिखाता हूं इसका आंसर क्या आएगा मुझे कोई बताए अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा तो मुझे पता बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा मैं एक काम करता हूँ डीएस देखता हूं छह और चार दस दस और पांच पंद्रह पंद्रह का डीएस छह छह और पांच ग्यारह ग्यारह का डीएस दो छह दुनी बारह बारह का डीएस कितना होता है मेरे भाई तीन यानी कि इस क्वेश्चन का जो डीएस है वो तीन है मेरे भाई ठीक है ना मैं देखूंगा डीएस किसका तीन आ रहा है मुझे पता पॉइंटों से कोई फर्क नहीं पड़ता डीएस पे अब देखो तीन बन गया सात और चार ग्यारह ग्यारह का डीएस दो आया ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि डीएस चाहिए नौ तीन ठीक है ना डीएस चाहिए तीन अब देखेगा ध्यान से सुनो पांच और तीन आठ आठ और सात पंद्रह पंद्रह और पांच बीस बीस का डीएस दो बन गया यार ये भी आंसर नहीं हो सकता अब यहां पर देखेगा मेरे भाई पांच और तीन आठ आठ और मेरे भाई छह चौदह चौदह और सात कितना होगा मेरे भाई चौदह और सात होगा इक्कीस इक्कीस का डीएस तीन बनता है यानी कि इसका डीएस तीन बनता है यानी कि ये आंसर हो सकता है यहां पर देखिएगा पांच और चार नो बन गया सात और दो नो बन गया डीएस नहीं आएगा मेरे भाई ऑप्शन आंसर नहीं आएगा तो आंसर क्या आएगा मेरे भाई सी आएगा और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आया हुआ एस एस सी में एस एस जीडी में आया हुआ क्वेश्चन मेरे भाई एस एस सी का क्वेश्चन है एस एस के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है तो हम विदाउट कैलकुलेशन डीएस की सहायता से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं अब देखो मजा आएगा आपको यहां पर आपको मजा आएगा मेरे भाई यहां पर यह आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है देखो मैं इनडायरेक्ट रूप से डीएस लगाऊंगा इनडायरेक्ट रूप से आपको समझ में आएगा डीएस कितना बड़ा हथियार आपके लिए बड़े ध्यान से सुनना कैसे यह कहता प्रिंसिपल दस हजार है यानी कि दस हजार रुपए मूलधन है और तीन साल के लिए लिया गया पैसा उधार और तीनों साल की रेट भी अलग अलग है पहले साल की रेट है चार वार्षिक दूसरे साल की पांच वार्षिक तीसरे साल की छह वार्षिक तो आपको बताना इन तीन सालों में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा आपको बताना मेरे भाई तीन साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा यह बात आपको बतानी है अब यह क्वेश्चन जो ना देखकर आपको मजा आ जाएगा मेरे भाई और एक बार प्लीज अब मेरे कहने से एक बार सेशन को शेयर कर दो सारे के सारे बच्चे और लाइक कर दो मेरे भाई आज आपने 200 के पार आंकड़ा नहीं पूछा एक बार 200 के पार आंकड़ा पूछा दो मेरे भाई जल्दी से आप लोगों का सपोर्ट बना रहेगा मेरे भाई बहुत कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत कुछ पढ़ाऊंगा बस आप लोगों को को सपोर्ट करना करना है जादा से जादा को करना है ज्यादा ज्यादा से शेयर मेरे भाई ठीक है ना तो जो हम पे उंगली उठाते थे उनको यह मौका कभी भी नहीं देना है कि भाई कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप लोगों को साथ देना मेरे भाई ठीक है ना तो देखेगा पंकज चौहान का आंसर आया तीन हजार अब देखते मेरे भाई मैं देखो क्या करने वाला हूं आपको बताया दस हजार रुपए की राशि थी जो उधार ली थी ठीक बात है अगर चार परसेंट की रेट है तो इसका मतलब पैसा कितना बन जाएगा चार परसेंट ब्याज लगेगा चार परसेंट ब्याज लगने का मतलब सो से पैसा कितना बन जाएगा एक सौ चार फटाफट करेंगे अगले साल पांच परसेंट ब्याज लगेगा मतलब सौ से पैसा कितना बन जाएगा एक सौ पांच परसेंट बन जाएगा अगले साल छह परसेंट ब्याज लगेगा मतलब सौ से पैसा कितना बन जाएगा एक सौ छह परसेंट बन जाएगा यह तो आ गया आपका मिस्र मेरे भाई क्योंकि इतना बन जाएगा मिश्र धन आ गया मिश्र धन में से अगर मैं मूलधन घटा दूं अगर मैं धन में से मूलधन घटा दू तो मेरे पास क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा ब्याज आ जाएगा भाई आपको पता कैसे आता है ब्याज आ जाएगा बात को समझ पा रहे हो आपको बिल्कुल अब देखो मैं इसको विदाउट सोल के कैसे आंसर निकालता हूं मुझे पता नीचे डीएस एक है हर जगह नीचे डीएस एक है तो डायरेक्ट ऊपर वाला देखो चार और एक पांच गुणा में पांच और एक छ गुणा में और एक साथ पांच तीस का डीएस का डीएस क्या करना होगा दो आंसर का डीएस तो भी तो दो होना चाहिए यहां पर सात बना आंसर नहीं आएगा यहां पर देखो छो आठ और एक नौ पांच और आठ तेरह तेरह का डीएस कितना होगा मेरे भाई चार आंसर नहीं होगा डीएस मुझे दो चाहिए यहां पर देखेगा मेरे भाई यहां पर देखो सात पांच और छह छह और सात तेरह तेरह और पांच अट्ठारह अट्ठारह का डीएस नो तो नो से कोई फर्क पड़ा नहीं दो आ गया इसका डीएस कितना आ गया दो दो ही तो चाहिए था मेरे को ये हो सकता है इसका तीन हजार आ रहा है मेरे भाई तीन डी एस नहीं चाहिए मेरे को डीएस चाहिए दो तो मुझे बताओ मैंने कोई कैलकुलेशन की मैंने कोई कैलकुलेशन की नहीं की मेरे भाई मैंने कुछ भी नहीं किया मैंने कंपाउंड ये अमाउंट था अमाउंट में से मैंने प्रिंसिपल घटा तो कंपाउंड इंटरेस्ट आता मेरे को सिर्फ इतना पता है अब मेरे को ये भी तो पता है यार ये कैलकुलेशन कितनी भारी भरकम हो जाएगी एक सौ चार गुना में एक सौ पांच गुण में एक सौ छह कितनी भारी कैलकुलेशन है और बड़ा सा नंबर आएगा उसमें से फिर आपको यह घटाना पड़ेगा तो मैं क्यों करूं ऐसे बेतुके काम जब मेरे पास हथियार है डीएस वाला है ना तो हम ये डीएस को रूल यहां पर अप्लाई करेंगे डीएस को अप्लाई करेंगे मेरे भाई मजा आ जाएगा कोई डाउट है किसी भी बच्चे को तो कमेंट करके बताएं जल्दी से कमेंट करके बताओ मेरे भाई मुझे बताओ जल्दी से बताओ कोई भी डाउट है किसी भी बच्चे को तो जल्दी से बताओ भाई बताओ भाई मजा आ रहा है सेशन में कोई डाउट है किसी भी बच्चे को तो जल्दी से कमेंट करके बताएं हो गया रिपीट रिपीट करना सर राशि चारो से एक सौ सो से एक सौ पांच हो जाएगा छह परसेंट ब्याज लगेगा तो सो से एक सौ छह हो जाएगा यानी कि मिस्र धन हो गया मेरे भाई मिश्र धन में से मूलधन घटा दूंगा तो ब्याज आ जाएगा यही तो मुझे चाहिए था मैंने देखा इसका डीएस एक, एक छे छत पांच का तीस तीस का डीएस तीन गुणा करूंगा इक्कीस इक्कीस का डीएस तीन और ये माइनस करना एक क्योंकि इसका डीएस एक है तो तीन में से एक गया डीएस डीएस बचेगा दो, और एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसका दो था जिसका दे रखा ठीक है ना सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है सीजीएल का क्वेश्चन है मेरे भाई सीजल में आया हुआ क्वेश्चन है उम्मीद करता हूं बात को समझ पाए मजा आ रहा है तो ऐसे हम क्वेश्चनों को बहुत कम टाइम में कर पाएंगे अगला क्वेश्चन देखेगा अभी इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं मैंने सिर्फ कुछ एग्जाम्पल लिए ताकि मैं आपको समझा पाऊं कि इसको अप्लाई कैसे करना है बाकी कल से हमारी जो भी क्लासिज होंगी जितनी भी क्लासिज होंगी मैं सब में हर मोस्टली क्वेश्चनों में मैं डीएस लगाकर कैलकुलेशन को खत्म करूंगा और आपकी आदत बन जाएगी आप फटाफट क्वेश्चनों को सोल्व करने लग जाओगे मेरे भाई ठीक है ना कल से जितनी भी होंगी इनको अप्लाई करेंगे हाँ कोई बात नहीं आप बस ध्यान से देखते रहो क्लास को अब ध्यान से देखो गांव की वर्तमान जनसंख्या पिचासी है प्रथम वर्ष में 20 परसेंट व द्वितीय वर्ष में 25 परसेंट बढ़ जाने से वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी दो वर्ष बढ़ाने के बाद में वैसे आया कहां पर पूछा गया मेरे भाई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है आपके पास किरण की बुक है चेक कर लेना ये ऑप्शन दे रखे थे तो मुझे बताओ देखो पिचासी गांव की जनसंख्या है पहले साल बीस बढ़ी मतलब क्या है यार आप कोग सो से एक होगी अगले साल पच्चीस बढ़ने का मतलब क्या है सौ से एक सौ पच्चीस होगी आपको गी बिल्कुल एक तो आपके पास तरीका है इनकी कैलकुलेशन करो लेकिन मैं क्यों करूंगा पिचासी ये सब कैलकुलेशन मेरे बस की बात नहीं है तो मैं देखूंगा दोस्तों डीएस नीचे डीएस एक है तो डायरेक्ट ऊपर वाले को देखो आठ और पांच तेरह तेरह का डीएस चार गुणा में दो एक तीन यहां पर देखो पांच और दो सात और एक आठ तो आप इनकी गुणा करोगे चार तीन बारह बारह का डीएस कितना तीन तीन अठारह चौबीस चौबीस का डीएस कितना छह यानी कि डीएस मेरा कितना आ गया मेरे भाई छह आ गया देखो कौन से ऑप्शन में डीएस छह नौ हटा दिया चार और एक पांच नहीं चाहिए छह दिए चाहिए मैं तो नौ हटा दिया पांच और एक छह और एक सात नहीं चाहिए छह चाहिए यहां पर देखो सात और दो हटा दिया पांच और एक छह बन गया बिल्कुल छह ही तो चाहिए था यानी कि ये आंसर हो सकता है यहां पर देखो पांच और पांच दस दस और तीन तेरह तेरह का डीएस नहीं चाहिए च्छा, आंसर क्या आएगा मेरे भाई सी ऑप्शन आएगा आंसर क्या आएगा सी ऑप्शन आएगा विदाउट कैलकुलेशन के फटाफट हम आंसर तक पहुंच सकते हैं विदाउट कैलकुलेशन के मेरे भाई हम फटाफट आंसर तक पहुंच सकते हैं किसी भी बच्चे को कोई डाउट है समझ समस्या परेशानी है तो जल्दी से कमेंट करके बताएं ठीक है ना और लगा के दिखाऊं बहुत जगह अब देखेगा मान लिया कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है जैसे हम कल क्वेश्चन कर रहे थे तो, डिस्काउंट के या कभी भी आपको ये कहता किसी संख्या में किसी संख्या में इंक्रीमेंट लगा मान लिया दस का इंक्रीमेंट लग गया फिर बीस का इंक्रीमेंट लग गया फिर तीस का इंक्रीमेंट लग गया ये हर जगह क्या लग रहा है इंक्रीमेंट लग रहा है तो आपसे पूछता फाइनल इंक्रीमेंट कितना हुआ फाइनल इंक्रीमेंट कितना हुआ बड़े ध्यान से सुनना मैं आपको अलग 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 वेराइटी के क्वेश्चनों पर लगा के दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि डीएस कितना इंपॉर्टेंट है फाइनल इंक्रीमेंट बताओ कितना होगा तो आप क्या करते हो मेरे भाई आपके पास दो तरीके होते हैं या तो आप दो संख्याओं पे ए प्लस बी इंटू ए बी बटे में फार्मूला लगाओगे मैं पहले बेसिक से बता दूं फिर मैं डीएस बताऊंगा कैसे लगाते हैं हम डीएस बताऊंगा कैसे लगाते हैं। किसी ने इस तरीके से नहीं पढ़ाया होगा आपको आप कग देखो पहले इस पर लगाएंगे तो दस और बीस कितना हो जाएगा तीस प्लस में इन दोनों की गुणा करेंगे ए इंटू बी होता है तो दो सौ बटे सो करोगे कितना आएगा दो यानी कि यहां से आ गया सर जी बत्तीस परसेंट अब इसका पूरे का बत्तीस परसेंट आएगा अब इन पर लगाओ यहां पर बत्तीस रखोगे यहां पर कितना मेरे भाई तीस रखोगे इन दोनों की गुना करोगे बत्तीस या कितना होगा मेरे भाई छियानवे और एक जीरो है बटे में क्या करोगे सो करोगे तो यहां से फाइनल कितना आएगा आपका आ गया अभी बैसठ प्लस में जीरो से जीरो कट गया एक संख्या के बाद पॉइंट लगेगा नाइन पॉइंट सिक्स तो कितना आएगा बैंसठ में नौ जोड़ोगे तो कितना आएगा मेरे भाई बैसठ में जोड़ोगे इकहत्तर पॉइंट छह यानी कि आपका फाइनल इंक्रीमेंट आया ये फाइनल इंक्रीमेंट आपका आया ये लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लग गया बहुत ज्यादा क्या लग गया मेरे भाई टाइम लगे पॉइंट मजा आएगा। देखो मैंने देखा दस परसेंट का इंक्रीमेंट क्या दिखाता है इंक्रीमेंट क्या दिखाता है सो से एक सौ तीस हो जाना बात को समझ पा रहे हो यानी कि मेरे भाई ये ओरिजिनल था ये पहले था और ये मेरे भाई क्या होगा हो गया ये इंक्रीमेंट लगने के बाद हो गया आप जी राइट सर देखे इनका डीएस कितना मेरे भाई इसका डीएस चार तो तीन दुनिया छह छह चौका चौबीस चौबीस का डीएस कितना ऊपर डीएस गया छह ऊपर वाले का डीएस कितना आ गया आगे ये तो जो अब संख्या आई उसका डीएस छ पहले वालों का डीएस कितना था एक अगर मैं अब वाली में से पहले वाली का डीएस घटा दूं तो जितना इंक्रीमेंट हुआ जितना बढ़ा उसका डीएस आ जाएगा पांच आपको बिल्कुल सर देखो पहले इतनी थी संख्या बढ़ने के बाद इतनी होगी तो बढ़ने के बाद डीएस हो गया छह पहले डीएस था एक तो बढ़े हुए में से पहले वाला घटा दूंगा तो यह पता चल जाएगा कितना बढ़ा कितना इंक्रीमेंट लगा तो जो इंक्रीमेंट लगा उसका डीएस पांच है समझ पाए आप कहोगे बिल्कुल देख लो बेसिक से चेक करके देख लो इसका डीएस भी तो पांच मिलेगा सात और एक आठ आठ और छह चौदह चौदह का डीएस कितना होता है मेरे भाई पांच तो मैं क्यों सोल्व करूंगा मैं ऑप्शन में जाके ये देखूंगा किसका डीएस पांच बन रहा है मैं ऑप्शन में जाके मात्र ये देखूंगा किसका डीएस पांच बन रहा है मेरे भाई तो इस तरीके से भी हम अप्लाई कर सकते हैं कोई आपको इतना डीपली नहीं बताता अब देखो आप फटाफट मुझे बस डीएस बताना मुझे आप लोग बस डीएस बताना मैंने कहा बारह परसेंट इंक्रीमेंट है मैंने कहा यार तेरह परसेंट इंक्रीमेंट है और मैंने कह दिया चौदह परसेंट इंक्रीमेंट है तो फाइनल डी इंक्रीमेंट बताओ फाइनल इंक्रीमेंट बताओ मेरे को कितना हुआ फाइनल इंक्रीमेंट बताओ अगर आप इसको फार्मूले से करोगे या किसी और तरीके से करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा मेरे बच्चे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा आपको भी पता है क्योंकि फार्मूला भी लगाओगे ना अगर फार्मूला लगाओगे ए प्लस बी प्लस ए बी बटे में हंड्रेड ए की जगह रखोगे बारह बी की जगह रखोगे तेरह प्लस में इन दोनों की गुणा करोगे तेरह दुणी छब्बीस कैरी गया दो तेरह एकम तेरह और दो पंद्रह बटे में सो करोगे देखो आपको बहुत बद्दी बद्धि वैल्यू मिलेंगी पच्चीस प्लस में दो संख्या तो 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 गुणा, गुणा करनी पड़ेगी इन टू बी की इनको जोड़ना ही महाभारत है तो गुणा करना तो और भी महाभारत इसलिए मैं कहता मेरे भाई समझो चीजों को जो मैं बता रहा हूं कोई नहीं बताता बहुत ही काम की चीजें देखो बारह परसेंट इंक्रीमेंट का मतलब है सो से कितना हो जाना एक सौ बारह तेरहरासेंट का इंक्रीमेंट बताया सो से कितना हो जाना एक सौ तेरह चौदह परसेंट का इंक्रीमेंट बताया सो से कितना हो जाना एक सौ चौदह ऊपर वालों का डीएस देखो दो तीन और एक चार चार और एक पांच छो छातीस तीस का डीएस तीन तीन चौके बारह बारह का डीएस तीन ऊपर डीएस तीन आ गया नीचे वालों का डीएस कितना एक घटा दो तो इंक्रीमेंट कितने का हुआ मेरे भाई दो का ऑप्शन में बस ये देख लो किसका किसका डीएस दो बन रहा है ऑप्शन में बस ये देख लो मेरे भाई किसका डीएस दो बन रहा है नहीं तो मेरे भाई उलझे रहोगे उस तरीकों में ऑप्शन में बस जाके देखो किसका डीएस दो बन रहा है मजा आया कि नहीं आया बताओ भाई कुछ बेहतरीन चीजें आपको सीखने को मिल रही है कि नहीं मिल रही जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कमेंट करके जल्दी से मुझे बताओ कुछ बेहतरीन चीजें आपको सीखने को मिल रही कि नहीं मिल रही बताओ जल्दी से <laughs> <laughs> मजा आ रहा ना मजा आ रहा होगा है ना मजा आ रहा होगा बहुत ही बढ़िया अब ध्यान से देखो एक बार आपको लास्ट कंसेप्ट बताता हूं इसमें कहां कहां पर आप अप्लाई और करोगे इसको बड़े ध्यान से रुकना मैं कैलकुलेटर का यूज करता हूं एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं एग्जाम में आए हुए इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत क्वेश्चन जो इस तरह के आए अब देखो मान लिया आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया जाए आपके सामने क्वेश्चन है मेरे भाई सैतालीस चार इसका स्क्वायर करना है इसका क्या करना स्क्वायर करना है ठीक है चार सौ चार सौ पॉइंट पांच इसका स्क्वायर करना है तो कितना आएगा इसका स्क्वायर करोगे तो हमारा आंसर आता है दो सौ सात पॉइंट एक नौ तीन यह आता है मेरे भाई इसका स्क्वायर करने पर ठीक है इसका स्क्वायर करने पर यह आता है अब मैं आपको जो बात बताऊंगा उसको बड़े गौर से सुनना अब जो मैं आपको बात बताऊंगा उसको बड़े गौर से सुनना ये तो नहीं आना चाहिए मेरे भाई ये तो शायद अप्रोक्सीमेट बता दिया इन्होंने ये तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता दी एक सेकंड रुकना एप्रोक्सीमेट वैल्यू बता दी इन्होंने मैं यहां पर लिखता हूं मैंने लिखा सैतालीस पॉइंट पांच ओके ओके कोई दिक्कत नहीं एक सेकंड रुकना ये था मान ली ये करो क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ऐसी भयंकर सी वैल्यू बच्चा देखने को तो यह कहेगा सिर्फ स्क्वायर पूछ रखा है और ये डायरेक्ट नहीं आते ये कहीं ना कहीं पर कैलकुलेशन में यूज होते हैं कहीं ना कहीं पर ये कैलकुलेशन में मेरे भाई यूज होते हैं देखो आप क्या करोगे आप ये करोगे मेरे भाई इसका स्क्वायर निकालोगे जो बेवकूफ बच्चा वो ये करेगा इसका स्क्वायर निकालेगा और यहां पर कम से कम दस मिनट खराब करेगा दस मिनट की बात कर रहा हूं मैं पक्का दस मिनट खराब करेगा एक बच्चा क्या करेगा एक बच्चा क्या करेगा मेरे भाई वो इकाई का कांग देखेगा जैसे छह का लास्ट में छह का स्क्वायर करेगा छत्तीस यानी लास्ट में छह आएगा लास्ट में छेगा हंड्रेड परसेंट ये शोर है लेकिन मान लिया उसने क्या कर दिया उसने मेरे भाई यहां पर लास्ट में छह दो संख्याओं में दे दिया तब क्या करोगे तो मेरे भाई हम डीएस से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भी डीएस से कर सकते हैं देखो कैसे डीएस का भी स्क्वायर कर सकते हो आप कोई दिक्कत नहीं देखो यहां पर मैं इसका डीएस देखूंगा तो क्या होगा पांच और चार नौ गया हटा दिया सात और छह तेरह तेरह और चार सत्रह सत्रह का डीएस आठ आठ का स्क्वायर करोगे अट्ठू अट्ठू चौंसठ और चौसठ का डीएस कितना होगा मेरे भाई एक होगा चौसठ का डीएस कितना होगा मेरे भाई एक होगा आपको कहे बिल्कुल होगा सर जी एक चौसठ का डीएस कितना आ जाएगा मेरे भाई आपको एक होगा कोई डाउट नहीं अब देखो बिल्कुल इसका भी डीएस एक ही बनेगा बेसिक से करके देख लो देखो पांच और दो सात और दो नो कट गया सात और दो नौ कट गया नो कट गया छ और तीन नौ कट गया सिर्फ क्या बच गया मेरे भाई एक बच गया तो डीएस का स्क्वायर करो भी डीएस का स्क्वायर भी कर सकते हो क्यूब भी कर सकते हो सर यू आर द किंग ऑफ मैथ्स थैंक यू मेरे भाई तो ये आप सभी का प्यार है मैं कहता हूं स्क्वायर कर दो क्यूब कर दो कुछ भी कर दो मेरे बच्चे कुछ भी दिक्कत नहीं है कोई भी दिक्कत नहीं है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं आपको किसी भी बच्चे को तो ये बताओ मुझे कोई डाउट अगर किसी भी बच्चे को है तो जल्दी से बताओ किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बता सकता है किसी भी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताए नहीं ना कोई डाउट सर आपने मैथ किससे सीखा भाई मैथ मैंने प्राइमरी में जब मैं टेंथ क्लास तक था था वहाँ पर भी मेरा मैथ ठीक ठाक था हालांकि पढ़ाई कम करता था उस टाइम तो पर दिमाग ठीक चलता था बेसिक क्लियर थे तो उसके बाद मेहनत करते गए होता गया मेरे भाई मेहनत करने से आती हैं सारी चीज़ें और जब हम टीचिंग कर रहे हैं तो टीचिंग में आपको और भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है नई नए तरीक़ों से चीज़ों को सोच सोचना पड़ता है टाइम देना पड़ता है पर दिक्कत यह होती है कुछ टाइम नहीं देते हैं सिर्फ अपने पुराने नोट्स को ही आज तक पढ़ा रहे हैं जो उन्होंने कभी कोचिंग ली थी उन्हीं नोट्सों को आज तक पढ़ा रहे कोई अपडेट नहीं करते हैं तो वहां पर दिक्कत होती है पर मेरे साथ ऐसा नहीं है मेरे भाई कोई भी एग्जाम होता है मैं उसके क्वेश्चन देखता हूं किस तरह के क्वेश्चन आए अपने नोट्स में शामिल करता हूं आपने देखा होगा यूट्यूब पर भी मैं आपको 2022 के सीजील के क्वेश्चन 2022 के सीएचएसएल के क्वेश्चन कितना अपडेटेड कंटेंट पढ़ाता हूं यह अपने आप तो नहीं आता है मुझे भी सर्च करना पड़ता है कि किस तरह के क्वेश्चन आए मेहनत करनी पड़ती है और कुछ नहीं मेरे भाई त्रिको में भी अपडेट करना पड़ता है क्या हम इस क्वेश्चन को और छोटा कर सकते हैं इस कैलकुलेशन को और कम कर सकते हैं यह सारी चीजों के लिए मेहनत करनी पड़ती है मेरे भाई आप भी करोगे तो मैथ एक ऐसी चीज है मैं आपको एक बात बताता हूं क्या पता आप मेरे से भी बेटर चीजें सोच पाओ किसी क्वेश्चन को दिया जाए क्या पता आप मेरे से भी बेटर सोच लो उसके बारे में बस सोचने का खेल है सोचने का खेल है मेरे भाई जिस दिन सोचना शुरू कर दोगे काम करना शुरू कर दोगे तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में भी कोई डिफरेंस नहीं रहता मैथ में एक स्टूडेंट भी और मुझे बहुत खुशी होती है एक, एक स्टूडेंट उससे पहले आंसर दे रहा है ना? यही चीज चाहिए बस मुझे सारे बच्चों में तो चीजों को सीखते रहिएगा मेहनत करते रहिएगा मेरे भाई तो मुझे बताओ यह कोई दिक्कत है किसी बच्चे को अब ध्यान से देखेगा मैं कुछ और दो कंसेप्ट आपको बताता हूँ एक मेरे भाई आपको क्या लगाना यूनिट डिजिट वाला कैलकुलेशन में आपकी हेल्प करेगा एक यूनिट डिजिट वाला, वाला भी जो मेरे भाई, आपकी में बहुत करेगा. और यूनिट आपको सिर्फ यूनिट डिजिट पे ही काम करना होता है कहने का मतलब यह है जैसे आपको कोई इतनी संख्या दे दे ये है. तो आपको क्या करना अगर इकाई का अंक देखना तो आपको सिर्फ इकाई के अंक पे ही काम करना है का साइन तो गुणा कर दो सात या इक्कीस यानी कि लास्ट में इकाई का अंक एक रहेगा और ये चीजें देखा करो मेरे भाई देखते नहीं हो आप भाई क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते एक बार ऑप्शन की तरफ नजर मार लिया करो एक बार ऑप्शन की तरफ नजर मार लिया करो हो सकता है आपको दिख जाए सबके इकाई के अंक अलग अलग है तो क्यों क्वेश्चन को पूरा सोल्व करोगे भाई मान लिया सबके इकाई के अंक अलग आपको अलग अलग दिख गए तो आप क्वेश्चन को पूरा सोल्व क्यों करोगे सिर्फ इकाई के अंक पे ध्यान दो लेकिन बच्चों की आदत होती रट्टाफिकेशन की ये फार्मूला समझा रखा था टीचर ना लगे रहेंगे लगे रहेंगे ऑप्शन की तरफ देखते नहीं है मेरी बात सुनो मेरे भाई जब मैं खुद एग्जाम देता था तो मेरी तब से आदत है मैं ऑप्शनों को हमेशा देखता हूं और ये चीजें ना मैं स्टूडेंट था तब से अप्लाई कर रहा हूं ये चीजें आप बहुत अच्छे टीचर के साथ साथ अच्छे इंसान भी हो बिल्कुल मेरे भाई सबको होना भी चाहिए अच्छा इंसान होना पहले जरूरी है क्योंकि अच्छे इंसान नहीं तो आप कितने भी ऊपर चले जाओ मेरे भाई कोई वैल्यू नहीं रह जाती आपका दिल है ना आपका दिल ही कभी आपको चैन से नहीं बैठने देगा अगर आप अच्छा काम नहीं करते हो तो ठीक है ना आप गलत काम कर करके कर कितना भी ऊपर चले जाओ लेकिन आपका दिल कभी खुश नहीं रह सकता अगर आप अच्छे इंसान हो आपने किसी का बुरा नहीं किया आप चाहे फाइनेंशियली या किसी भी तरीके से सोशली आप ज्यादा स्टेबल नहीं हो पर फिर भी आपके दिल में खुशी रहेगी आप सिर उठाकर जी सकते हो आपने कितना भी पैसा कमा रखा हो पर आप आंख नहीं मिला सकते सामने वाले के साथ नहीं मिला सकते ना आपने कितना भी पैसा कमा रखा हो पर आपने चीटिंग की है अगर आपने किसी का गलत कर रखा तो उसके सामने आप आंख नहीं मिला सकते पर आपके पास कुछ भी नहीं है लेकिन आपने किसी का गलत नहीं किया तो आप आंख मिलाकर खड़े हो सकते उसके सामने ठीक है ना तो बस यही चीज चाहिए जिंदगी में कि सबके साथ आंख मिलाकर बात कर सकें कभी अपनी नजरें झुकानी ना पड़े है ना ये चीजें करनी है मेरे भाई कितने भी आगे पहुंचा सर जी सो की जगह डिवाइड में एक क्यों गिनते प्लीज बताओ वो इसलिए क्योंकि डीएस एक होता है सो का डीएस भी कितना होगा एक होगा ये सारी चीजें शुरू में समझाई थी मैंने जो बच्चे बाद में क्लास से जुड़े प्लीज एक बार क्लास को शुरू से जरूर देखें एक एक चीज बताई मैंने सो का डीएस एक होता तो एक गिन लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है ना अब देखेगा इकाई के अंकों पर काम करो मेरे भाई इकाई के अंक पे काम करना शुरू कर दो तीसरा जो कंसेप्ट है डिविजिबिलिटी रूल तीसरा जो कंसेप्ट मेरे भाई क्या है डिविजिबिलिटी रूल डिविजिबिलिटी रूल मेरे भाई ये बहुत काम की चीज है ये बहुत काम की चीज है जैसे मेरे भाई आपके सामने पेपर में पैंतीस ये कैलकुलेशन ये आ गई कैल्कुलेशन आगी मान लिया कहीं पर भी अच्छा बटे में भी है मान लिया इसके कुछ में बटे में भी है मान लिया इसके बटे में मेरे भाई क्या है इसके बटे में इकहत्तर इसके बटे में मेरे भाई क्या है इकहत्तर तो एक बात को याद रखना एक बात को याद रखना मेरे बच्चे जो भी आपका आंसर आएगा जो भी आपका आंसर आएगा मेरे भाई वो क्या होगा वो पांच का भी मल्टीपल होगा वो पांच का भी मल्टीपल होगा मेरे भाई वो मेरे भाई नौ का भी मल्टीपल होगा वो नो का भी मल्टीपल होगा और वो मेरे भाई सात का भी मल्टीपल होगा वो आंसर जो होगा ना सात का भी मल्टीपल होगा आपको जी आपने ऐसा क्यों कहा मैंने इसलिए कहा देखो पैंतीस में क्या आ रहा है मेरे भाई पांच आ रहा है और पैंतीस में क्या आ रहा है सात आ रहा है और आपको पता नीचे कोई ऐसी संख्या नहीं जो पांच को या सात को काट दे हंड्रेड परसेंट जो भी आंसर आएगा वो पांच का भी मल्टीपल होगा और सात का भी मल्टीपल होगा नो no का इसलिए कहा क्योंकि मैंने इसको देख लिया ये नो से पूरा पूरा भाग हो रहा है मेरे भाई इसमें नो है इसमें क्या मेरे भाई नो है तो आंसर में भी नो बचा रहेगा यानी कि आंसर जो है नो का मल्टीपल होगा आंसर जो होगा मेरे भाई वो नो का मल्टीपल होगा तो इन चीजों को जिस दिन समझना सीख जाओगे अप्लाई करने लग जाओगे मेरे भाई क्वेश्चनों में जो कैलकुलेशन होती है जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती है उनको कम टाइम में आप कर पाओगे उनको आप बहुत कम टाइम में कर पाओगे तो इसलिए मैं आपको एक बात बताता हूं कल से मेरी जितनी भी क्लासेज होंगी उनमें जितने भी क्वेश्चन हम सोल्व कराएंगे ये चीजें हम अप्लाई करेंगे और अपनी आदत के अंदर लेकर आएंगे अभी तक मैं ज्यादा इन चीजों को यूज नहीं करता था आपके क्लास में क्योंकि मैंने पहले डिजिटल सम वगैरह ये तरीके सिखाए नहीं थे तो मैक्सिमम बच्चों ने नहीं सीख रखे तो मैं अप्लाई करूंगा उनको लगेगा यार क्या बकवास कर रहा है टीचर हमें पता ही नहीं हमें समझ में नहीं आ रहा कर क्या रहा है तो आज मैंने समझा दिया और मैं सभी बच्चों को कहता हूं इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए शिक्षा बांटने से कभी भी कम नहीं होती बढ़ती है है ना किसी का भला करोगे तो भगवान आपका भला करता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अच्छी चीज दिखती है तो हम इसको किसी के पास शेयर नहीं करेंगे सिर्फ हमें सीखनी है यह कभी मत करना मेरे भाई आप किसी का दूसरे का भला करोगे तो आपका खुद का भला होता है ठीक है ना और जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपको भी थोड़ा सा साथ ये देना कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा नीचे कमेंट किया करो अब कल से मैं क्या कराऊंगा बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पर मैं डिविजिबिलिटी रूल का भी यूज करूंगा फटाफट क्वेश्चनों को सोल्व करने में <coughs> मैं मेरे भाई इकाई का अंक निकालने का भी यूज करूंगा इकाई का अंक पे भी काम करूंगा और मेरे भाई मैं डीएस भी लगाऊंगा अब देखेगा एक क्वेश्चन एम का है मैं और तरीके से देखो यूनिटरी मेथड में भी आप यूज कर सकते हो जैसे एक क्वेश्चन था उसकी कैलकुलेशन फाइनली क्या थी फाइनली कैलकुलेशन उसकी थी 121 की वैल्यू कितनी दे रखी है ये दे रखी है मेरे भाई ये एमटीएस के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है एमटीएस के पेपर में तो आपको बतानी नहीं सो यूनिट की वैल्यू अगर बच्चा इसको सोल्व करेगा मेरे भाई देखो महाभारत हो जाएगी हो जाएगी इसके ऑप्शन भी लिख देता मैं क्या थे इसके ऑप्शन दे रखे थे इसका अगला ऑप्शन दे रखा था इसका सी ऑप्शन दे रखा था मेरे भाई पिचासी और इसका डी ऑप्शन दे रखा था चौरासी अब बड़े ध्यान से सुनना यह देखने में कितना आसान लग रहा है लेकिन 121 यूनिट की वैल्यू यह है तो आप ऐसे करोगे ना 121 यूनिट की वैल्यू यह है तो 100 की वैल्यू बताओ अब देखो देखने में आसान लग रहा है लेकिन 121 से काटना मां बार तो जाएगा मेरे भाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बहुत ज्यादा टाइम लग जाता कि नहीं लग जाता मुझे खुद बताओ आप लोग लगेगा सर जी तो इसीलिए मैं इन्हें देखने में जो आसान लगते है लेकिन कैलकुलेशन इनकी बहुत टेढ़ी होती है तो उन्नीस से बचने के लिए मैंने आपको यह चीजें बताई देखो आपको कुछ नहीं करना ऐसे भी लिखने की जरूरत नहीं है आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते मेरे भाई पता है कैसे आप यहां पर इनका डीएस देखो यहां पर इनका डीएस देखो छह और एक सात आठ रे नो कट गया तो यहां पर इसका डीएस कितना आ गया छह ये जाएगा आपको पता गुणा में ये कहां पर

अब देख लो कौन से ऑप्शन में डीएस ये नो कट गया मेरे भाई छह बच गया यानी कि आंसर हो सकता है यहां पर इसका डीएस नो दिखाई दे रहा आंसर नहीं होगा यहां पर आठ और पांच तेरह तेरह का डीएस चार आंसर नहीं होगा यहां पर आठ और चार बारह बारह का डीएस तीन डीएस नहीं होगा आंसर क्या होगा मेरे भाई ये होगा तो आप फटाफट इन चीजों को सोल्व कर सकते हो इन तरीकों से मेरे भाई इन तरीकों से जो है ना मेरे भाई आप क्वेश्चनों को निपटा सकते हो बहुत ही कम टाइम में तो मैंने अपनी तरफ से बहुत ही बेहतरीन चीजें आपको सिखाने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूं सबको ये क्लास जो है मेरे भाई पसंद आई होगी कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको यह क्लास ना पसंद आई हो या किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट हो तो जल्दी से पूछेगा और मैं आपको एक बात बताता हूं जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन बटन जरूर दबा ले क्योंकि आपका जो चंडीगढ़ पुलिस का पेपर होगा सीटी मेंस होगा सीटी ग्रुप डी होगा और फिर दिल्ली पुलिस का पेपर आएगा सीजीएल मेन्स भी अगले महीने इन पेपरों तक मैं आपको कंप्लीट सिलेबस डिटेल्ड पढ़ाऊंगा डिटेल से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस अलग से कराऊंगा तो मैथ और रीजनिंग का डर निकाल के आप सिर्फ इस चैनल को फॉलो कर लो कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है इस चैनल को फॉलो कर लो मैथ और रीजनिंग के लिए मैं दावा करता हूं इससे बाहर कुछ नहीं आएगा जो मैं आपको पढ़ाता हूं मेरे भाई तो बिल्कुल आप जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बताओ कोई भी डाउट अगर किसी भी बच्चे का है तो सर इसमें शादी वाला समझ में नहीं आ शादी वाला क्या था मेरे भाई सर रीजनिंग में अल्फाबेट वाले क्वेश्चंस में बहुत दिक्कत आती है वो भी करा दूंगा मेरे भाई आप कमेंट बॉक्स में बता देना जो भी आपको चीजें चाहिए वो कमेंट बॉक्स में बता देना आप तो मैथ के बादशाह और सर जी दिल से आपके साथ हैं भाई आप लोगों का साथ ही मेरे भाई अपनी ताकत है अपनी एनर्जी है आप जितना साथ दोगे उतनी एनर्जी के साथ मैं पढ़ाता रहूंगा ठीक है ना आपको भी घबराने की जरूरत नहीं बिल्कुल बेझिझक इस चैनल को फॉलो करिएगा और आपको बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा तो बीच बीच में मैं आपको ये इस तरह की चीज़ें पढ़ाता रहूंगा जो भी अलग चीज़ें होती हैं जो आपकी कैलकुलेशन में हेल्प करती है मेरे भाई जो आपका स्कोर बढ़ा सकती हैं ठीक है ना बहुत सारे बच्चों के साथ दिक्कत ये होती है सर जी पेपर ही पूरा नहीं होता हमसे हमें आता तो बहुत कुछ पेपर पूरा नहीं होता वो होता है मेरे भाई आपका क्वेश्चन करने का तरीका अगर आप बिल्कुल बेसिक से बहुत लंबे मैथडों से क्वेश्चन को कर रहे तो पेपर पूरा नहीं होगा आपको ये चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेंगी कैलकुलेशन स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए तभी आप चीज़ों को कम टाइम में कर पाओगे चार बजे का सेशन नहीं होगा मेरे भाई एक क्लास होती है अभी ठीक है और कल हम पढ़ेंगे सारे के सारे बच्चे लाइव आना कल हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट कल हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट उससे अगले दिन हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के बड़े बड़े जो लेंदी क्वेश्चन होते हैं ना जहां पर कैलकुलेशन होते हैं इन्हीं तरीकों से हम उनको कम टाइम में सोल्व करेंगे मेरे भाई तो मिलते हैं अगली क्लास में जय हिंद जय भारत खुश रहो मुस्कुराते रहो कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा बच्चे कमेंट किया करो सेशन कैसा रहा और आपको किस तरीके से पढ़ना है आपके कमेंट मेरी ताकत है मेरे भाई कमेंट जरूर किया करो और सेशन को शेयर और लाइक करके जाना जय हिंद जय जा भारत खुश रहो मुस्कुराते रहो हैव ए नाइस nice डे सर जी डीएस जीरो डीएस होता क्या जीरो डीएस नहीं होता मेरे भाई जिसका डीएस जीरो डीएस मतलब कि नो देखो डीएस जीरो का मतलब क्या है अगर डीएस जीरो है मेरे भाई डीएस जीरो है तो इसका मतलब है नो ठीक है ना जीरो का मतलब यहां पर क्या होता है डीएस में नो होता है मेरे भाई ठीक है जय हिंद जय भारत कमेंट जरूर करना मेरे भाई रीजनिंग सैटरडे हो गई मेरे भाई रीजनिंग की क्लास लंबी चलेगी सैटरडे को और उसमें रीजनिंग के मैं आपको दो तीन मेन मेन टॉपिक कराऊंगा फिर अगले सैटरडे को फिर